गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बिल्कुल आज दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि 100 रीजनिंग का आज हम लोग धज्जियां उड़ाने वाले हैं। वीडियो का तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही कम समय में 1 से लेकर 100 तक वॉल्यूम 1 का आज शुरुआत है और धमाकेदार शुरुआत है। इसलिए मैं पहले से ही कहना चाहूंगा कि आज इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इतना शेयर करना है कि सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे और हमें लगे कि आप सब क्वेश्चन को पचा सकते हैं, आपका हाजमा अच्छा है, और लगातार 3000 क्वेश्चन का पूरा धज्जिया उड़ा दें। बहुत मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन, और बहुत ही मजे से मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको दिखते जाएगा और सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे, और कुछ ऑफर के लिए भी तैयार रहिएगा। जो आसान रहेगा आपको देंगे, आप उसको कमेंट करिएगा ताकि हमें मजा आए और जल्द से जल्द उसे समाप्त कर पाऊं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में। पहला ही धमाका हुआ, एक ही में 3 क्वेश्चन, मतलब एडजस्टमेंट करेंगे और तीनों का आंसर सेकेंडों में देंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझना है। पढ़िए, अमर बाबू शेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहु विकल्पों वाले प्रश्न पत्र को 1, 2, 3, 4 हल करें, जिसमें विकल्प दिया गया है 1, 2, 3, 4। उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहां बताया गया, आपको क्वेश्चन में भी बड़ा दिख रहा होगा। यहां मैंने इसको जानबूझ के बनाया ताकि आपको मैं बेहतर ढंग से समझा पाऊं, बस समझना है आपको। अब कैसे कैसे क्या है समझिए। बाबू के सभी उत्तर गलत थे। बाबू ने पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 दिया है, दूसरा का 3 दिया है, तीसरा का 4, चौथा का 2। बाबू के सभी आंसर गलत थे, घेर दिए तो समझ जाइएगा गलत। अब सोचिए, बाबू ने पहला क्वेश्चन का आंसर 1 दिया तो गलत तो निश्चित है, शेरा भी 1 दिया तो गलत होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन कोई भी देगा तो जब इसका गलत है तो इसका भी गलत। बाबू ने इसका 2 दिया है, चौथा का गलत, तो निश्चित है शेरा का भी वाला क्या हो जाएगा, गलत। पहला पॉइंट से ही इतना पता चल गया। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है। अमर के पहला 2 जवाब, मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन के जवाब गलत, तो ये 2 गलत, 4 गलत। अब देखिए, अमर ने दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन 4 मारा है तो गलत, तो निश्चित है दिया ने भी दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन 4 मारा है तो गलत होगा, क्लियर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था, तो दिया के चौथा उत्तर क्या था, गलत था। तो अब यही दोनों ने बचा जो कि सही हुआ, क्योंकि ये तो पहले से इसके कारण गलत दिया का हो ही चुका है, और चौथा कंफर्म गलत बोलिए दिया, तो सही कौन हुआ, एगो पहला और एगो तीसरा। आप जरा समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है तो समझ जाए कि अमर तीसरा ऑप्शन मारा है तो ये गलत होगा, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है जो कि दिया का सही है, तो अब निश्चित रूप से यही गलत होगा। अब आ जाइए आगे, कहता है अमर बसेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, तो बोलिए कि सर अमर बसेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, तो अमर का तो एक ही गो बची रहा, 3 को तो गलत हो गया, तो यही सही होगा। सेरा का देख लीजिए, तो सेरा का ई वाला 3 ये जो मारा है अमर, 3 गलत है, तो निश्चित है इसका भी क्या होगा, चूंकि ये को सही है तो ये तो गलत होगा, तो अब सेरा का बचा कौन, एक ही को बचा, ये वाला सही होगा, एडजस्ट हो गया, फटाफट आंसर मारिए। आपको भी 2 से 3 बार इस क्वेश्चन का हल करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसका क्वेश्चन 4 का उत्तर सही है, बोले सर क्वेश्चन 4 का उत्तर सही तो अमर का है, कौन है, अमर, और अमर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा में कहता है सेरा का कौन सा प्रश्न सही है, तो सेरा का तो दूसरा प्रश्न सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आइए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में कहता दिया के कौन से 2 उत्तर सही है, तो दिया का तो एक पहला सही है और एक तीसरा सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा कि तीनों क्वेश्चन इजी वे में आपके माइंड में सेट हो गए, फिर भी आपको एक बार लिख के बनाना है। जैसे कहता हूं बस प्रैक्टिस करिए ना, आप जरूर कमेंट करिए कि सर मैथ का जैसे डर भागा है, रीजनिंग में भी डर भाग गया, बिल्कुल हलवा हो गया, इजी वे में बन रहा है, क्लियर हुआ 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके लायक भी है, कह रहा है क्या, 1 है 8 है 27 है 36 है 125 है 216 में अनोखा छाटना, अनोखा भिन्न या विषम छाटना है, बोले सर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब, तो इसको 4 का क्यूब 64 ना होना चाहिए, जबकि 36 है, तो यही भिन्न है, यानी अनोखा कौन है, 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का मास्टर वीडियो लाऊंगा वहां से क्लियर होगा। यहां भी मैं आपको बता दूं, देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, ब्लड रिलेशन में देखिए ब्लड रिलेशन अलग से मैथमेटिकल टॉपिक नहीं है, ब्लड रिलेशन सभी जानते हैं कि आपके माता के परिवार, पिता के परिवार, भाई के परिवार, भाभी के परिवार कौन लगेंगे, सभी जानते हैं। बस वहां पे अपने आप को रख के समझिएगा ना, तो गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। करा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, मतलब राजीव एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रहता है कि यह मेरी बहन, लड़की के बारे में बोल रहा है मेरी बहन के भाई के पिता, तो राजीव बोल रहा है एक लड़की के बारे में कि यह मेरी बहन के भाई के पिता, तो बहन के भाई के पिता कौन होंगे, राजीव के पिता होंगे, और बोल रहे हैं उनकी एकमात्र पुत्री है, तो पिता के आप ही के पिता के एकमात्र पुत्री क्या होगी, आपकी बहन, मेरी पिता के एकमात्र पुत्री क्या होगी, मेरी बहन। तो यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है, तो लड़की बहन हो गई राजीव का। यदि आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, राजीव बता रहे हैं किसके बारे में, तो लड़की के बारे में बता रहे हैं कि ये जो लड़की है राजीव के बहन के भाई के पिता, तो बोले सर राजीव के बहन के भाई के पिता तो राजीव के पिते ने हुआ, और राजीव के पिता का एकलौती पुत्री है तो राजीव की क्या हो गई, बहन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी ही बता देता हूँ कि ब्लड रिलेशन, क्योंकि ब्लड रिलेशन का बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर तो मान लीजिए ऑप्शन में केवल बहन दिया हुआ है तो आप बहन मार के निकल जाइएगा, लेकिन यदि ऑप्शन में भाई भी दे दे, क्योंकि राजीव भाई हुआ और लड़की कौची हुई बहन हुई, भाई भी दे दे और बहन भी दे दे तो आप आंसर क्या मारिएगा, तो मैं बता दूं जिसके साथ से लगा रहे आंसर वो नहीं होगा, जिसके साथ का लगा रहे वही रिलेशन आंसर होगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से, तो राजीव से लग गया तो चूंकि राजीव भाई होता है इसलिए भाई आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा बहन, क्योंकि लड़की में का लगा है इसलिए आंसर हम लोग का बहन। ऐसे तो यहाँ एक ही ऑप्शन सिर्फ बहन है भाई नहीं है तो आप मार दीजिएगा, लेकिन जब कभी कभी आगे मिलेगा आपको दोनों ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें से लगा रहे वो आंसर नहीं मारना, जिसमें का लगा रहे वो वाला सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आगे भी। क्लियर हुआ, बहन हुआ आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से 8 एक ही में धजिया उड़ा देंगे, 3 क्वेश्चन देखिए, बस खाली एक बार एडजस्ट करना है। आपकी ओर चेहरा की हुए 5 लड़कियां हैं आपके सामने बैठी हैं, रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं बाएं हैं, तो पहले ऊर्जा लिख देंगे, जिसके दाएं बाएं उसको लिख दो क्रमशः, तो क्रमशः मतलब पहले दाएं वाला, क्योंकि बोल रहा है रूही और मनाली, तो रूही दाएं है, दाएं दाएं हाथ की तरफ दाएं लिखना है, और मनाली बाएं है, तो मनाली ऊर्जा के बाएं लिखे, ऊर्जा के दाएं रूही, मनाली बाएं। मनाली व तानिया के बीच ध्वनि है, तो अब इधर ना आएगा उधर तो जाएगा नहीं, तो मनाली यहाँ पे तानिया लिख देते हैं और यहाँ पे ध्वनि लिख देते हैं। क्लियर आपको दिख ही रहा होगा ये मनाली, ठीक है, मनाली और तानिया के बीच में ध्वनि है, तो मनाली इधर है तो इधर तानिया और ध्वनि, एडजस्ट हो गया सभी के सभी, पांचों के पांचों। अब आप आंसर मार दो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। तानिया के दाएं कौन बैठी है, तो बोले सर तानिया के दाएं तो ध्वनि है, और ध्वनि है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 का ऑप्शन सी हो गया। 7 क्वेश्चन देखिए, पंक्ति के बीच में कौन बैठी है, तो बोले सर तानिया ध्वनि, ऊर्जा रूही, बीच में मनाली है, यानी बीच में मनाली है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां, तो रूही यहाँ है, ध्वनि यहाँ है, बीच में मनाली और ऊर्जा है, यानी कितनी लड़कियां हैं, ध्वनि और रूही के बीच 2 लड़कियां हैं, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा सिर्फ एडजस्ट किए और 3 क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में आ गया। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल हलवा है आपके लिए, आप खुद बना सकते हैं। उलझे हुए कुछ शब्द लिखा हुआ है, सी सी आई आपको दिख रहा होगा, टी आर के ई, यह तो आपका सबसे फेमस वर्ड बनेगा क्रिकेट, आपको देखते ही पता चल जाएगा, जिससे भाई एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए और फिर सुलझे हुए का 5वां अक्षर, तो ये तो ऐसे ही दिखने में लग रहा है, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट बन गया। देख लीजिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, तो बोला इसका 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या है, के, यही आपको ढूंढना था, के, तो के दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तो आपके लायक है भाई, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें बीच में कौन सी आएगी, तो घटते क्रम के मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा वाला रखिए, तो सबसे बड़ा तो हमें दिख रहा है 46-65, उसके बाद इससे छोटा दिख रहा है हमें 46-55,
और उसके बाद 46-55 से छोटा हमें दिख रहा है 45-65, 45-65 से छोटा दिख रहा है 44-65, और 44-65 से छोटा दिख रहा है 44-56। तो बोल दिएगा सर सबसे बीच में, वैसे भी पांचे को था तो तीसरा आ गया, उसी समय उसको मार देना चाहिए, सबसे बीच में कौन हो गया तो 45-65 ऑप्शन मिला लीजिए, 45-65 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट का। मोहन रोहन से लंबा है व फरहान से ठीकना, ठीकना मतलब नाटा, तो कभी भी भारी लंबा या धनात्मक रूप में रहेगा ना, तो उसको ऊपर लिखिएगा, एडजस्ट करना बहुत आसान होता है। देखिए मोहन रोहन से लंबा है, तो पहले तो हम रोहन लिख देते हैं और रोहन के ऊपर लिख देते हैं मोहन, और मोहन के बारे में ही बोलता है कि मोहन रोहन से लंबा है, वह मतलब मोहन के बारे में बोल रहा है, फरहान से ठीकना तो फरहान ऊपर लिखते हैं, मतलब मोहन जो है ना रोहन से लंबा, फरहान से नाटा है, तीन को तो एडजस्ट हो गया, ठीकना है। उसके बाद बोलता है कानन मोहन से ठीकना है, मोहन से ठीकना मतलब मोहन से नाटा है, लेकिन वह रोहन से लंबा है, मतलब बीच में होगा कानन, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, ठीक है ना, इस बार के मैथ और रीजनिंग में भी, तो कानन मोहन और रोहन के बीच में हो गया कि कानन जो है मोहन से ठीकना है लेकिन रोहन से लंबा, शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, तो रोहन से तो लंबा समझ में आया लेकिन फरहान से लंबा बोल दिया तब तो शंकर सबसे ऊपर हो जाएगा, ये तो सबसे लंबा हो गया, पांच आदमी एडजस्ट हो गया, इन सब में सबसे लंबा कौन है, बोलिए सर जो सबसे ऊपर है, सबसे लंबा है यानी शंकर, ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, आपके लायक भी है, नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे बाढ़ से दर्शाया गया है, तो बताइए कौन है, 6 है 12 है 20 है 30 है 8 है, आगे भी है 56 है 72 है, तो पहले तो ऐड करके ही देखना है, 6 6 12 12 8 20 20 10 30, तो 6 बढ़ा 8 बढ़ा 10, तो इस बार 12 बढ़ेगा, और 30 में 12 बढ़ेगा तो 42 होगा, 42 ऑप्शन मिला लो, 42 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये ब्लड रिलेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, ए बी का पुत्र है तथा वह भी ए के लिए ही आया है, ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, सी का पिता है ए, ठीक है, और इसका ही पिता हो जाएगा एक तरीका से कह सकते हैं आप। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से, तो ये तो कंफर्म हो गया कि देख लीजिए ये क्या है, इसका पिता है और इसका पिता बी है, मतलब ये दादा हो जाएंगे, दादा दादा, ठीक है ना, पिता है तो यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है, सीधे बोला है ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है, तो बी का ही दादा भी हो सकते हैं दादी भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका लिंग पता नहीं है पिता है या माता, क्योंकि सिर्फ पुत्र बताया है, ठीक है, और ई तो पुत्र है इसलिए पिता हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा सी का बी से, सी में का लग गया तो निश्चित है ये पोता होगा या पोती होगा, पोता होगा या पोती होगा, क्योंकि बोल रहा है ए सी का पिता है लेकिन सी पुत्र है या पुत्री है ये पता नहीं है, इसलिए पोता या पोती हो सकता है, तो ये पोता पोती होगा, ये दादा दादी, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए आप, इसीलिए मैं पिछला ब्लड रिलेशन में बताया था, ऑप्शन सी दिया है दादा दादी, ऑप्शन डी दिया है पोता पोती, आप आंसर क्या मारोगे, तो क्या बोल रहा है सी का बी से, बी में से लग गया तो दादा दादी आंसर होगा, नहीं आंसर होगा पोता पोती, क्योंकि सी में का लगा है, जिसमें का लगे उसी का आंसर मारना है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे आंसर ला के भी गलत करते हैं, तो आंसर होगा पोता पोती ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा मजेदार क्वेश्चन, अमेरिका को कुछ लिखा है इंडिया को कुछ लिखा है, मैं एक लिख के ही बता देता हूँ, अमेरिका को कुछ लिखा है, क्या लिखा है, 1 7 3 4 6 5, एक ये अमेरिका को लिखा है, इंडिया को क्या लिखा है, इंडिया को लिखा है 6 8 9 6 1, तो पूछ क्या रहा है, कनाडा को CANADA, ऐसा स्थिति में करना क्या है, जब इसी के अक्षरों से नया शब्द बनाया जाए तो बस चुन के लिख देना सी, तो सी के बदले 5, सी के सामने जो है वही लिखे, ए तो ए के बदले 1, एन तो एन इसमें है एन के बदले 8, ए तो ए इसमें भी है इसमें भी है, ए के बदले है कितना 1, फिर डी तो डी इसमें है कितना 9, फिर ए के बदले 1, 51 81 91
51 81 91 है ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ऑफर छोड़ूंगा, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया, प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाला, और सबसे ज्यादा परेशान पिछला बार एग्जाम में यही किया था, लेकिन इतना रिवीजन ही होगा ना, जब आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा तो इतना रिवीजन होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ जाएगा। बस लास्ट तक वीडियो देखिए, ठान के बैठिए कि देखना है तो देखना है, कब पार हो जाएगा 100 क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा। यहाँ देखिए कह रहा है आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन सही है। ऐसा क्वेश्चन मैथ में भी आया था, नैन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है, उसके पास कितनी नीली टोपी है, तो टोटल 4 है, ये तो कथन में ही कह दिया है। कितनी नीली टोपी है ये पता लगाने के लिए पहला कथन पढ़िए, नैन के पास 2 सफेद है, तो 4 में 2 सफेद है तो निश्चित है, अब कितना बचा, तो बोले सर 2 और बचा। अब ये दोनों में क्या है ये हम लोग को पता लगाना है, हमें नीली टोपी पता लगाना है, तो पहला तो जरूरी हो गया, पहला से इतना पता चला। अब दूसरा कथन आइए, दूसरा कथन में कहता उसके पास नीली टोपियां तथा बेज टोपियां समान है, तो बोले सर दुए गो में है ये है, और दो गो में 2 तरह के टोपी है, नीली है और बेज है, और दोनों समान है तो एक होगा, तो दूसरा कथन से पता चला कि नीली एक गो है, लेकिन उसके लिए पहला भी पढ़ना जरूरी था क्योंकि 2 गो सफेद अलग हट गया था, यानी कि यहाँ पे नीली टोपी कितना है ये पता लगाने के लिए कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त है, यानी कथन एक और दो दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा। COW काउ को लिखा है 41, GOAT गोट को लिखा है 43, तो बोला है DOG डॉग को क्या, आप भी बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट बार ऐसा है तो ऑफर मिले आपको। क्या किया है जरा देखते हैं, बोले सर ये 3 होता है सी का, A to Z कोड आपके माइंड में ऐसा फिट होना चाहिए कि जैसे ही कोई W बोले तो आपको कान में सुनाई देना चाहिए 23, U बोले तो 21, O बोले तो 15, P बोले तो 16, कुछ भी बोले उसका कोड सुनाई देना चाहिए, तब कोडिंग डिकोडिंग फास्ट बनेगा, और ऐसा होगा, आप लगातार बने रहिए। तो ये क्या क्या, 3 होता है, 15 होता है और W 23 होता है, तो 15 3 18 और 23 41, यानी कोड को जोड़ दिया है, 7 होता है, 15 होता है, 1 होता है, 20 होता है, 20 1 21, और 15 और 7 को जोड़ेंगे 22 43, तो हम लोग भी जोड़ेंगे 4 15 7, तो 15 4 19 और 7 26, यानी हम कह सकते हैं कि डॉग को लिखेंगे 26 26, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, बड़ा मजेदार है। जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर दिशा पहले डायरेक्शन आप समझ लो, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और राइट पूरा होता है, बाकी डायरेक्शन में मैं पूरा क्लियर करूंगा, लेकिन मानचित्र में ऐसा होता है, माइंड में फिट रखना है, पूरा होता है पश्चिम होता है। देखिए ये वाला डायरेक्शन जो होता है ऊपर है और दाएं, इसलिए उत्तर पूर्व, क्लियर, ये नीचे है और बाएं है इसलिए दक्षिण पश्चिम, ये नीचे है और दाएं है इसलिए दक्षिण पूर्व, ये ऊपर भी है और बाएं है इसलिए उत्तर पश्चिम। आप जरा देख लो कि ये उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर के मतलब ही माइंड में ऊपर आना चाहिए, तो उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, चलो चल दिए थोड़ा, आप चलते समय ही ध्यान रखिएगा ना कि दाया मुड़ने बोले तो आप वहां पे अपने आप को रख के चलिए, कल्पना करें कि जब वहां पे आप चलिएगा तो आपका दाया किधर होगा बाया किधर होगा, आपसे कभी गलती नहीं होगा, नहीं तो डायरेक्शन ऐसा है कि थोड़ा सा मिस्टेक किया तो आप दूसरे जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि यहां पे दूसरा गली नहीं रहता कि उसमें से घुस के वहां पे आ जाओ, एक बार दाया बाया गलती किए तो परिणाम गलत ही आएगा। तो कह रहा है कि उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई, आप सोचिए कि आप ऊपर जा रहे हैं तो निश्चित है इधर दाएं इधर बाएं होगा, तो बाएं मुड़ गई, ये देखिए ऊपर जा रहे थे उत्तर बाएं मुड़ गई, अब कहता है कुछ देर बाद बाएं मुड़ गई और फिर दाएं मुड़ गई, अब इधर जा रही तो दाएं ऊपर जाएगा, दाएं मुड़ गई बाद में पुनः दाएं मुड़ गई, पुनः एक बार और दाएं मुड़ गया, तो अंततः इस दिशा में जा रहा है, तो सोचिए कि आप दाएं जा रहे हैं तो दाएं जा रहे हैं तो कौन दिशा होगा, बोल रहा है तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, निश्चित है दाएं जा रहे हैं और दाएं कौन दिशा होता है, पूरब दिशा, क्लियर हुआ, तो पूरब दिशा ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से 20, महा ऑफर इसको कह सकते हैं क्योंकि एक ही में 3 क्वेश्चन उड़ा देंगे, देखिए सिर्फ इसको एडजस्टमेंट करना, अब ये डायग्राम वाला आ गया है, अब यदि आप परसेंटेज हमसे पढ़ रहे होंगे मेरे असाइनमेंट से तो टाइप 10 पूरा डायग्राम डबल वाला बताया हूं,
और ट्रिपल वाला भी रीजनिंग में बताऊंगा। तो देखिए एडजस्टमेंट करिए, निम्नलिखित जानकारियों को पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। 40 छात्रों की कक्षा में, मतलब टोटल छात्र 40 है, 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु, दो भाषा बोलने वाले हैं। कौन कौन है? तमिल कितना? 28। तेलुगु कितना? तो तेलुगु है 30। हमने क्वेश्चन ही बोला भाई, तेलुगु 30। सभी छात्र दो भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल ही सकते हैं, यानी डायग्राम 40 का बनेगा। टोटल 40 हो, 40 कोई ना कोई भाषा बोल सकता है, गोंगा कोई नहीं है, सब कुछ ना कुछ बोलेगा, और दो ही भाषा बोलेगा, या तो तमिल या तो तेलुगु। अब आ जाइए, ये पूरा डायग्राम बनना चाहिए 40 का, और डायग्राम में आपको बताया था बेनारिक में कि केवल तमिल दोनों और केवल तेलुगु, यही रेशियो तो निकालना है, फिर फटाफट आंसर ही तुम्हारे। तो पढ़िए का पूरा क्या है, 40 है, इतने दिया है, पूरा 40 का डायग्राम है जिसमें ये वाला वृत्त 28 दर्शा रहा है। तो बोले सर ये वाला भाग 12 लिख दीजिए ना, क्योंकि 28 12 40 होता है, ये वाला गोला 30 है जिसमें ये 12 हो गया, ये वाला तो निश्चित है ये 18 होगा, क्योंकि 18 12 30, ये पूरा 28 में ये 18 तो ये 10। अब देख लीजिए सेटिस्फाई, 18 10 28, 18 12 30, 18 10 28 12 40, सेटिस्फाइड हो गया। केवल तमिल दोनों, केवल तेलुगु निकल गया, फटाफट आंसर मारो। पहला का आंसर यानी कि 18 का, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। केवल तेलुगु बोलने वाले कौन है? तो केवल तेलुगु, बोलिए सर 12, और 12 दिया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, 19 में कहा था छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, यानी 18, और 18 दिया है आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए 20, 20 में कहता छात्रों की भाषा क्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकता है, केवल तमिल बोलने वाले हैं 10, और 10 है ऑप्शन नंबर बी। तो हमने देखा कि तीनों के तीनों क्वेश्चन केवल एडजस्टमेंट पे निर्भर था, फिर तो सेकंडों में बनाए, क्लियर हुआ 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख ही लीजिए, कह रहा है क्या, इनमें से जो अनोखा है उसे पहचाने। तो बोले सर पीछे भी तो बताए थे कितना कितना है, 28 है, 44 है, 68 है, 80 है, 92 है, इसमें डिफरेंट छापना है। तो बोले सर बढ़ते हुए तो डिफरेंट नहीं पता चला, मान लिया जाइए 18 बढ़ा के देखते हैं, 16 बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया, ये 44 से फिर 68 हो गया, तब तो यहाँ पे 24 बढ़ जाएगा, 24 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 68 से हो रहा है 80, तो ये तो 12 ना बढ़ा है, तो बढ़ा के तो काम कर नहीं रहा है। सबसे आसान तरीका है, इसको लगता है कि 4 सभ्य है, 4 सत्य 28, 4 गुने 11, 4 गुने 17, 4 गुने 20, 4 गुना 23, 4 तो सभ्य है, लेकिन 4 के साथ देखिए अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, इसमें भाज है, यानी यहाँ पे सबसे डिफरेंट हो जाएगा 80। अब विषम छाटने वाले सीरीज में मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी ऐसा होगा कि हम छाटेंगे वो, हम अपने स्तर पे सही छाटेंगे, आप छाटेगा वो भी, लेकिन बोर्ड कभी कभी डिफरेंट रूप से उछाटता है, जबकि आप 100% प्रयास करेंगे लेकिन बोर्ड जो छाटेगा वही आंसर देगा, और ये तभी होगा जब हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, हर तरह के क्वेश्चन नजरों से गुजरेगा तो कॉन्फिडेंशियल मारेंगे, नहीं तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट हो गया 20, क्योंकि सब में 4 के साथ अभाज्य है जबकि इसमें भाज्य है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 80 दिया है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा मजेदार साइनोरिज्म का क्वेश्चन आ गया, हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू होइए, रंग बिरंगे क्वेश्चन। कहता है कुछ पक्षी गधे हैं, वैसे पक्षी गधे नहीं होते हैं, लेकिन साइनोरिज्म में वो पहले ही लिख देता है कि सर ज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाता है, तो भी आपको सही मानना है, पक्षी को गधा मान लेना है, कुछ पक्षी गधे हैं, तो ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, मैं डायग्राम से बनाना सिखाऊंगा आपको आसान से। साइनोरिज्म, सब गधे बेवकूफ हैं, ऐसे भी गधे बेवकूफ ही होते हैं, कभी कभी स्कूल में आपको भी हमको भी बेवकूफ या गधे बोला गया होगा, ठीक है ना, तो बेवकूफ है। तो अब आइए निष्कर्ष से, ये तो एक और दो मतलब कथन था, निष्कर्ष 3 और 4 में दिया है, तो निष्कर्ष 3 दिया है कि सभी पक्षी बेवकूफ है, तो पक्षी का सभी भाग तो नहीं बेवकूफ है, तो गलत हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष है कुछ पक्षी बेवकूफ है, हाँ हो सकता है क्योंकि कुछ पक्षी गधे हैं और सभी गधे बेवकूफ हैं, तो कुछ पक्षी का भाग बेवकूफ में आ रहा है, तो यही हम लोग का सही होगा, यानी केवल 4 सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए, फिर से अरेंज करने वाला आ गया, क्या बोल रहा है,
पांच विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रिहान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका, सुनील और आशा से आगे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रियंका लिख देता हूँ। प्रियंका सुनील और आशा से आगे है, तो मैं सुनील और आशा भी लिख दिया हूँ, लेकिन कौन आगे है ये दोनों में अभी पता नहीं है। प्रियंका ये दोनों से आगे है, कन्फर्म है। अगला लाइन में हो सकता है कन्फर्म हो। कहता है कि प्रियंका ये सब मैरी, सुनील, आशा, रियान एक कतार में खड़े। प्रियंका, सुनील और आशा से आगे खड़े हैं। रियान व आशा के बीच में सुनील है। अब सोचिए, रियान और आशा के बीच में सुनील है, तो यदि हम आशा को उधर लिखेंगे तो अब इधर तो प्रियंका आ गई है, तो निश्चित है आशा को पहले लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आशा लिख देते हैं। आशा, सुनील और रियान और आशा के बीच में सुनील है, तो रियान के यहां लिख देते हैं। अब देखिए दोनों पॉइंट एकदम सत्य हो गया। पहला तो ये हो गया कि प्रियंका सुनील और आशा से, सुनील और आशा से आगे खड़ी है प्रियंका, क्लियर हुआ। रियान व आशा के बीच में सुनील है, रियान और आशा के बीच में कौन हो गया, सुनील हो गया। अब कहता सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है। अब सुनील है यहाँ, रियान है, तो मैरी को उधर ही देंगे, इधर तो जगह नहीं है, तो मैरी को इधर दे दिए। अब ये तो पांच व्यक्ति हो ही गया। कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, तो बोले सर जो सूर्य में आगे बोल दिया था वही आ गया सबसे प्रथम, यानी प्रियंका खड़ी है सबसे प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाए। फिर से ब्लड रिलेशन। एक परिवार में एक्स व वाई बहने हैं, एक्स और वाई है जो दोनों आपस में बहने हैं, मतलब दोनों लेडीज हैं। ए की माता वाई है, मतलब वाई जो है ए की माता है, ए पुत्र भी हो सकते हैं पुत्री भी, वाई क्या है ए की माता है। आगे पढ़िए, ए की माता वाई है, ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र जो है क्या है सी है, सी जो है ए का पुत्र है, याद रखे ए की माता बाई है, ए का पुत्र सी है। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र क्या है बी है, बी जो है एक्स का पुत्र है, क्लियर हुआ। अब बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब इसको देख के कथन को ऑप्शन के अनुसार मारना है। पहला कथन, बी बाई चचेरे भाई है, बी बाई चचेरे भाई है, तो चचेरे भाई बोल रहा है यहाँ पे, हो सकता है, हालांकि इसका लिंक पता नहीं है, लेकिन चचेरा भाई हो सकता है, लेकिन अभी आगे ऑप्शन पढ़ लीजिए, हो सकता है इससे भी कंफर्म मिले। एक्स बाई का पुत्र, बोले सर चचेरा कहाँ, ये दोनों तो बहन है, तो मौसेरा ना होगा, तो जब ऑप्शन में मौसेरा ना दे तो आपको चचेरा ही मानना पड़ेगा, कजिन जो होता है चचेरा मौसेरा फुफेरा सब होता है, तो पहला सही हो सकता है, लेकिन आगे पे एक्स बाबाई का पुत्र ए है, तो एक्स बाई दोनों का पुत्र ए कैसे होगा, चूंकि दोनों तो आपस में बहन है, पति पत्नी तो है नहीं कि दोनों का पुत्र होगा। दूसरा गलत, बी का पिता एक्स है, पिता को तो यहाँ पर बात ही नहीं है, दोनों माता ही है। सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स कहाँ से हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा नानी बाई हो सकती है, लेकिन दादी एक्स का गलत, यानी सबसे सटीक आपका पहला ही है कि बे बी और ये जो है चचेरे या मौसेरे, ये बहन भी हो सकते है, इसका लिंक पता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये दोनों चचेरा या मौसेरा भाई बहन, तो मौसेरा तो दिया ऑप्शन में नहीं है, तो चचेरा है, यानी सटीक है आपका ऑप्शन नंबर ए। बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देखते ही देखते 25 क्वेश्चन का उड़ गया धजिया, यानी सब क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स समाप्त कर ही लेंगे, तो लास्ट तक देख के ही उठना है। तो यहां देखिए, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, केवल ऐसे ही बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहले तो तीन को कथन दे दिया है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, मतलब खिलाड़ी जितना है ना सब के सब मजबूत हैं, लो मजबूत कर दिया खिलाड़ी को। दूसरा है सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अब जितने भी सशक्त लोग हैं वो लंबे हैं, सशक्त सभी सशक्त लोग लंबे हैं। अब तीसरा अजीत सशक्त है, अजीत किसके अंतर्गत है, सशक्त के अंतर्गत है, लिख दिए। अब आइए ऑप्शन, अजीत एक खिलाड़ी, अजीत का खिलाड़ी से दूर दूर तक संबंध नहीं है इसलिए गलत। अजीत लंबा है, अजीत लंबा हो सकता है क्योंकि अजीत सशक्त है, सभी सशक्त लंबे हैं, तो यही हम लोग का कंफर्म सही है, अजीत लंबा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 से आइए, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। दिए गए कथन पर विचार करिए और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। तो पहला कथन है कोच ने कहा, कथन एक ही दिया गया कि कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे रिपोर्ट करेगी, मतलब हो सकता है 8 बजे पहले करती होगी, अब 9 बजे रिपोर्ट करेगी। अब धारणाएं में आ जाइए, पहला नंबर,
कह रहा है उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम होगा, ई कहना मुश्किल है आपको काम होगा या जानबूझ के गैप या और कुछ भी हो सकता है पता नहीं है, तो ये मुश्किल है, इसको आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। दूसरा कथन है कि वे आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, ये सही है क्योंकि ये बोलने से ही पता चला कि 8 बजे के बजाय 9 बजे आओ, तो निश्चित है पहले से भी आमतौर पर आते होंगे अभ्यास के लिए, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे दूसरा जो है निहित है, यानी केवल 2 निहित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बड़ा इजी क्वेश्चन। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर, पहले यहाँ पर चौराहा पर चल गया कुत्ता को लेकर, ठीक है, चौराहे पर बाई ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर चलता, तो चौराहा पर बाई ओर जब मुड़ा, अब कौन दिशा था पता नहीं, लेकिन मुड़ने के बाद दक्षिण हो गया, दक्षिण मतलब नीचे होता, तो जब बाएं मुड़ा तो दक्षिण हो गया, तो सोचिए ना बाएं दाएं इस प्रकार से होता है इधर, तो ये बाएं मुड़ा होगा, मतलब ऐसे मुड़ा होगा, एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज होता है ऐसे करके, तो ये मुड़ा होगा इधर, तो बोलिया कि सर यदि बाएं मुड़ा है तो दक्षिण हो गया है, तो पूछ रहा है हम लोगों से कि बताइए बाएं मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, तो बोले सर एक दाएं मुड़ जाइए तो नीचे है, तो दाएं इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर, तो हम लोग दाएं मुड़ा देते हैं, तो दाएं मुड़ा देंगे, ये बाएं मुड़ा हुआ है मतलब इधर मुड़ा हुआ है लेफ्ट, और ये राइट हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग मुड़ा देते हैं उसको दाएं, क्योंकि बाएं मुड़ने के बाद दक्षिण है, तो पुनः प्रारंभिक लाना है तो दाएं, तो देखिए इधर है दाएं मुड़ाएंगे तो 90 डिग्री इधर मुड़ जाएगा, और ये होता है पश्चिम, पश्चिम यानी दक्षिण है, तो उसको हम दाएं करेंगे पश्चिम, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 फिर से आ गया तर्क वाला। नीचे दिए गए कथन का अनुसरण 2 तर्कों द्वारा किया गया, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। तो यहाँ कहता है मोबाइल के उपयोग और सेलफोन टावरों में वृद्धि हुई है, मोबाइल के उपयोग और सेलफोन टावरों में वृद्धि हुई है, सही बात भी है। पहला तर्क, इस पर धनात्मक तर्क क्या होगा, ये यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने से के सबसे तेज व आसान तरीके को प्रदर्शित करता है, ये तो अभी तक पॉजिटिव है, क्योंकि जितना ज्यादा नेटवर्क बढ़ता जाएगा विश्व एक दूसरे से नजदीक होगा, देखते होंगे आज वीडियो कॉल करते हैं कितना दूर रहते हैं बात हो जाता है। अब दूसरा, ये लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो परिस्थिति के प्रणालियों को सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे निश्चित रूप से अभी क्लियर नहीं हुआ, ना तो ऐसा कोई वैज्ञानिक चेतावनी है, ठीक है ना, लेकिन ये धनात्मक या मजबूत तर्क पूछ रहा है, तो पहला अभी तक मजबूत तर्क है, तो केवल तर्क एक मजबूत है, यानी हम लोग का आंसर होगा दूसरा तर्क मजबूत नहीं है, केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए, सभी क्वेश्चन मजेदार है और अधिकतर क्वेश्चन मतलब कथन तर्क कथन निष्कर्ष, यहाँ देखिए विवरण निष्कर्ष, तो 2 विवरण है। बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, कभी कभी, सही बात है, शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती है, सही बात है, ज्यादा बदमाशी करने के कारण चीखती भी है, तो दोनों सही है, यदि भिन्नता हो तो भी सही माना है, लेकिन सही तो है। अब आइए निष्कर्ष है, सभी माताएं पागल होती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, वो चीखती है परेशान हो जाती है इसलिए गुस्सा करती है बच्चों पर, वो पागल होती नहीं है सभी माताएं। दूसरा है कि बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ये भी गलत है, वो शरारती होते हैं इसलिए चीखती है, चीखने के कारण शरारती नहीं होते, क्लियर हुआ। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत, यानी होना चाहिए यहाँ पे कि 1 व 2 निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 तो आप ही बना सकते हैं, 8 है, 27 है, 50 है, 125 है, 343 है, इसमें डिफरेंट या अनोखा या भिन्न छापना है, तो बोले सर सब के सब क्यूब है 50 को छोड़ के, यानी यहाँ पे जो सबसे कहता है कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, तो 50 है जो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, बड़ा मजेदार रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ाऊंगा क्लियर रहेगा। अभी भी देखिए 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा में 8वां है, यदि कक्षा में सबसे लंबे से तुलना की जाए तो उसकी स्थिति, तो पहली बात तो मैं रैंकिंग टेस्ट में ट्रिक बताऊंगा, यहां भी बता देता हूं, टोटल कितने बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं, जिसमें छोटा में उसका स्थान है, छोटा तरफ से गिना जाए तो वो 8वां पर है, तो बोल रहा है बड़ा तरफ से गिना जाए तो क्या होगा बड़ा में, तो मैं आपको बता दूं रैंकिंग टेस्ट में यदि टोटल दिया रहे और दाएं से दिया रहे बाएं से पूछे, ऊपर से दिया रहे नीचे से पूछे, बड़ा से दिया रहे छोटा से पूछे, या छोटा से दिया रहे बड़ा से, तो हमेशा क्या करना है टोटल में, जैसे बड़ा तरफ से पूछ रहा है
कि बड़ा में कई मान स्थान है, तो टोटल में एक जोड़ के छोटा वाला घटा दीजिए, ठीक है। तो टोटल है 26 प्लस एक जोड़ेंगे और छोटा तरफ से 8, 26 एक 27, 27 में से 8 घटेगा 19, यानी बड़ा तरफ से जो सैमुअल है वो 19वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप नहीं भूलिएगा, दाएं बाएं कुछ भी पूछे, टोटल में एक जोड़ के जो दिया हुआ है उसको घटाइए, उसके अपोजिट निकल जाएगा, तो 19वां ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगली संख्या श्रेणी में क्या है? तो ये तो पहले तो घटा के देखना होगा, लगता है घट रहा है। 765 है, 642 है, 519 है, 396 है, 273 है। घटाते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में 4 जाएगा 2, 7 में से 1, 123 घटा है। यहां भी लगता है 123 से घटेगा, देखिए 12 में से 9 घटेगा 3, 3 बचा 3 में से 1 घटेगा 2, और 6 में से 5 घटेगा 123, तो यहां भी 123 ही घटेगा, यहां भी 123 ही घटेगा, तो आप भी 123 घटा दो। 3 में से 3 घटा 0, 7 में से 2 घटा 5, और 2 में से 1 घटा 1। थोड़ा फास्ट तो ये सब क्वेश्चन में चलूंगा, इसलिए कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। तो हम लोग का आंसर हुआ कि अगला पद जो इसका आएगा वो 150 आएगा, और वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जरा बढ़िया समझिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। वैसे तो ये ब्लड रिलेशन का एक भाग है, पजल टाइप का, इसमें एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनाया है। 6 व्यक्ति PQRSTU को एडजस्ट करना है, कैसे? एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन P बा R एक विवाहित जोड़ा है, तो P और R को हम ऐसे लिख देते हैं, विवाहित जोड़ा है, कौन पति कौन पत्नी है अभी पता नहीं चला, लेकिन P और R विवाहित जोड़ा है। आगे पढ़िए, P की लड़की S है, P की लड़की मतलब पुत्री बोल सकते हैं आप, P की पुत्री S है, माइनस मतलब लड़की समझ जाइएगा, P की पुत्री S है, R का पुत्र Q है, R का पुत्र जो है Q है, पुत्र, क्लियर हुआ, R का पुत्र Q है। अगला पॉइंट भाई, लेकिन Q की माता R नहीं है, अब यहीं से कंफर्म होगा कि ये दोनों पति पत्नी कौन है। देखिए, P की लड़की S है, R का पुत्र Q है, लेकिन Q R की माता नहीं है, सॉरी माता R नहीं है, Q की माता R नहीं है, जबकि R के पुत्र की Q दिया है, लेकिन Q के माता R नहीं दिया है। तो बोले सर माता नहीं दिया तो कंफर्म है पिता हो, क्योंकि पुत्र तो माता पिता दोनों का नाम होता है, लेकिन R के पुत्र तो ये है, लेकिन इसका ही माता नहीं है तो पिता होगा, तो कंफर्म है ही माता होगा, यानी पति पत्नी तो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पढ़िए, यू एस का भाई है, सॉरी यहां पे आगे पढ़िए, आर का भाई टी है, आर का भाई क्या है टी है, और यू एस का भाई है, यू जो है एस का क्या है भाई है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पुरुष। अब हम लोग से इतना एडजस्ट करने के बाद तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, आर भी पूछ सकता है, रिलेशन भी पूछ सकता है, कौन किसका क्या लगेगा, लेकिन यहाँ एक ही क्वेश्चन बना है कितने पुरुष हैं, तो एक तो ये पिताजी हो गया, फिर इसका भाई हो गया, और एक ये भी हो गया, और एक ये हो गया, यानी पुरुषों की संख्या परिवार में कितना है 4, जबकि महिलाओं की संख्या है 2, तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या 4 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आ जाएंगे, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, अच्छा नहीं पहले यहां बढ़िया समझना, ई और ए बी की बेटियां हैं, मतलब बी की दो बेटियां हैं, ई और ए, ये दोनों के दोनों क्या है बेटियां हैं, मतलब आपस में क्या है बहन है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या है बहन है, समझ गए हूं, ई और ए बी की बेटियां हैं, और ए का विवाह भी से हुआ है, ए का विवाह भी से हुआ है, मतलब इसका पति हो गया, अब इसका पति हो गया, ए का पति हो गया भी, तो इसके लिए तो ये दामाद हो गया, और इसका क्या होगा तो बहन के पति, तो इसके लिए वो बहन वही हो गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, भी का ई से क्या संबंध है, भी का ई से, यदि ई में का लगता तो साली आंसर हो जाता, लेकिन भी में का लगा है तो आंसर बहन वही होगा या जीजा होगा, ऐसा ही कुछ ऑप्शन देना चाहिए, तो साला देवर जीजा दिया है ऑप्शन, क्लियर है, तो वही आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 गौर से देखिए, कह रहा है समस्या आकृति में दिए गए आकारों में कौन सी उत्तर आकृति है, तो आप देख रहे हैं फिगर बड़ा दिया गया है, उसको ढूंढिए कि कौन उत्तर में है, तो पहला और तीसरा में तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला और तीसरा में इधर जो कोना में आकृति ऐसा बन रहा है,
और ऐसा एक भी आकृति नहीं दिया है। अब बचा दूसरा चौथा, तो चौथा में देखिएगा तो वो बड़ा वाला चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो पा रहा है चौथा में, तो निश्चित रूप से आप बचा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए जो प्रश्न वाला आकृति है वो ऑप्शन बी में पूरे तरीका से शामिल किया गया, हर चीज को आप गौर कर सकते हैं, यानी हम लोग का होगा सॉरी आकृति भी होगा लेकिन उसको दर्शाया गया है ऑप्शन ए में ऐसे करके। तो यहाँ पे भी बच्चे धोखा खाते हैं, आकृति बी देखते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में बी पे जाके क्लिक कर देते हैं लेकिन बी दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में तो ए क्लिक करना होगा। तो ये सब भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को एग्जाम में बैठना है। बाकी हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे आपको हर तरीका से सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर पे कैसे प्रैक्टिस किया जाए, वो एग्जाम के समय में सब कुछ होगा। बस हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी आकृति बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आ जाए, बड़ा मजेदार है। निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है। निखिल, देखिए मैं लिख के बताता हूं जबकि इसमें लिखने की कोई जरूरत है। निखिल मिलता है एक लड़के से पार्क में, ठीक है। अब लड़का निखिल की पहचान कराता है अपने दोस्तों से, किस रूप में? अपने पिता के छोटे भाई, मतलब लड़का के पिता और पिता के भाई है निखिल, मतलब कह सकते हैं लड़का के निखिल क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, क्योंकि पिता के भाई कौन होता है, चाचा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बोलता है निखिल लड़के का, निखिल लड़के का कौन है? तो निखिल यहां सीधे पूछ रहा है निखिल लड़के का कौन है, तो चाचा है, तो चाचा है, खाली स्थान है तो चाचा, तो यहां पर हो जाएगा चाचा जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे 34 लिखा हुआ, फिर 16 लिखा हुआ है, फिर 4 है, फिर 12 है और बराबर में 26 है। बोला चिन्हों के सही से चयन करें, तो इसको तो ऑप्शन से बनाना पड़ेगा और कोई ट्रिक नहीं है, ये आपकी किस्मत पे निर्भर है। पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया तो समझ जाइएगा कि मतलब कि आपका किस्मत अच्छा है, कम समय लगेगा। चौथा हुआ तो थोड़ा देर भी हो सकता है। तो पहले तो ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, पहला गुना है फिर माइनस है फिर भागा है, तो 34 गुना 16 तो ऐसे ही ज्यादा होगा, यहां भागा देंगे तो 4/12 तो पूर्ण संख्या आएगा नहीं, पहला छट गया। दूसरा प्लस माइनस भागा है, तो यहाँ प्लस माइनस अब भागा, भागा देंगे तो 4 में 12 भाग 1/3 तो पूर्ण संख्या आएगा ही नहीं, आ गया ही प्लस भागा प्लस है, यहाँ प्लस देंगे फिर भागा फिर प्लस, तो 4 × 16 तो 34 में 4 जुट के ऐसे ही 38 हो गया, फिर 12 भी जुटेगा, तो तीन ऑप्शन तो खत्म हो गया, डी ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं होगा क्या। जब 3 गुना हुआ तो इसी को होना पड़ेगा, प्लस प्लस हो गया फिर भागा हो गया फिर माइनस हो गया, तो भागा करेंगे 4 × 16 34 + 4 38 38 में से 12 गया 26 बच ही गया है। क्लियर है? यानी कंफर्म है कि हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर है, इस बार से अगला ऑप्शन आएगा ऐसा तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा ऑफर, आप चेक करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फिर से ब्लड रिलेशन। जोशी ने चित्रा से कहा, देखिए जोशी कह रही है किससे, चित्रा से, समझिएगा बेहतर ढंग से। तुम्हारी पुत्री, मतलब चित्रा से बोल रहा है कि तुम्हारी पुत्री के पिता, मतलब चित्रा के पुत्री के पिता मेरे भाई का पुत्र है। चित्रा के पुत्री के पिता, मतलब आप कह सकते हैं चित्रा के पति, चित्रा के पुत्री का पिता कौन हो गए, चित्रा के पति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, मतलब तुम्हारे पति यानी कि चित्रा के पति मेरे भाई के पुत्र है। जोशी के भाई के पुत्र है ये पुत्र, तो मतलब इसका ई पिता हो गया, जोशी का भाई जो हो गया इसके पति का पिता हो गया, पति का पिता यानी चित्रा के लिए ससुर भी हो, ससुर हो गया। क्लियर है? तो ससुर हो गया, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है। तो चित्रा की पुत्री तो इसका ही पिता है और इसका ही पिता है, तो निश्चित ही दादा हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है, तो भाई में जोशी के भाई में से लग गया तो आंसर दादा नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए पोती, क्योंकि पुत्री है, लेकिन पोती ऑप्शन में दिया नहीं, ऑप्शन में दिया है पोता, इसलिए यहां पर आंसर दादा मार दिया। जब ऑप्शन में पोती ना दिया हो तब जाके आप दादा मार सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में दादा और पोती दोनों दिया रहता तो आपका पोती होगा, क्योंकि पोती में का लगा और दादा में से लग गया है, भाई में से लग गया है, ये ध्यान रखना। तो वैसे यहां पे पोती है नहीं तो दादा आंसर आप मार सकते हैं रेयर केस में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नीचे विवरण दिए गए हैं और उनके बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, सवालों के देने के लिए उन्हें पढ़े। विवरण
इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, सिर्फ समझना है, मैं लिखूंगा इसमें कुछ भी नहीं, बहुत खर्चीली है। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए। अब निष्कर्ष आइए, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है, ये तो गलत है, क्योंकि अब कितनों महंगा हो, पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि कोई भी क्षमता नहीं रखता है, गलत है। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। अब होनी तो चाहिए, ये तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ विवरण के अनुसार यदि आप आंसर मारते हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आप बोल रहा है तो खर्चीली हो गई है, और कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए बोल दिया है, तो कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए, तो यहाँ पे पहुंच होनी चाहिए, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा जब कुछ लोगों तक सीमित हो जाएगा तो गरीबों की पहुंच, यानी कथन के अनुसार सोचा जाए तो दूसरा भी अंतर्निहित नहीं है, यानी हम कह सकते हैं एक व दो दोनों निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, देखिए जिसका इंतजार था, आ गया ट्रिपल डायग्राम बना। 26 छात्रों की एक कक्षा में टोटल 26 है, टोटल 14 छात्रों के पास बिल्लियां है, 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते, तीन चीजें, बिल्लियां, कुत्ते, तोते, कैट, डॉग और पैरो, क्लियर हुआ? 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 14 यहां लिख दिए, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं। आगे कहता है 4 छात्रों के पास बिल्लियां कुत्ते हैं, 1 छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है, 3 के पास तोते बिल्लियां हैं, तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास तीनों हो, यही जानना जरूरी था, तीनों वाला जीरो है। अब एडजस्ट करना आसान हो गया, मतलब ट्रिपल में सबसे पहले ये बीच वाला पता चल रहा है तो एडजस्ट करना बहुत आसान होता है, ये ध्यान रखिएगा आगे भी। तो बोलता है, अब पढ़िए, यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते हैं, तो बिल्लियां और कुत्ते दोनों 4 है, तो ये 0 हो गया, तो यहां पर तो 4 लिखा जाएगा। 1 छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है, यानी यहां पर 1 लिखा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 3 छात्र के पास तोते व बिल्लियां दोनों है, तोते और बिल्लियां दोनों है 3 के पास। अब पूरे एडजस्ट कर देते हैं, पूरा 14 है जिसमें 4 × 3 = 7, तो ये हो जाएगा 7, पूरा 10 है इसमें 4 × 1 = 5, तो ये हो जाएगा 5, ये गोला 5 है पायरोट वाला, तो 3 × 4, तो ये हो जाएगा 1। अब सारा एडजस्ट हो गया, आंसर फटाफट मारो। पहला क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन इसमें देवे किया है, इतना एडजस्ट किए तो कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो बोले सर टोटल 26 ना है, अब जिनके पास कुछ ना कुछ है वो जोड़ देते हैं, 4 × 7 = 11, 11 × 3 = 14, 14 + 5 = 19, 1 + 20 = 21, मतलब 21 के पास कुछ ना कुछ है, तो कुछ नहीं वाला कितना बचा, तो बोले सर टोटल 26 है ना, 26 में 21 का डायग्राम बना है, यानी 5 लोग ऐसे हैं ना जिसके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है, 5 लोग, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको दोहराना चाहिए, सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है HIDE कोडिंग डिकोडिंग का, इसको लिखा है 1440, तो पूछ रहा है बाइड को क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें ज्यादा आ गया 1440, पहले कोड को लिखते हैं 8 9 4 5, हमें तो लगता है कि गुना कर दिया है, देखिए ना 4 × 5 = 20, 8 × 9 = 72, गुना करेंगे 72 × 2 = 144 और 1 = 0, तो बोले सर आप भी गुना कर दो ना, 23 × 9 × 4 × 5, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि गुना करना है बस और कुछ भी नहीं है, कोड को लिख के गुना, क्लियर हुआ, आंसर देना है आपको कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आ जाइए, बड़ा मजेदार है, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो कुल कितने हैं, तो रैंकिंग टेस्ट में मैं आपको हॉट ट्रिक बताता हूं कि जब दोनों ओर से एक ही व्यक्ति का स्थान पता रहे तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब उसका लेफ्ट और राइट दोनों से जोड़ के 1 घटा दीजिए, तो यहां दोनों तरफ से 14 ही है, तो 14 + 14 - 1, 14 × 14 = 28 में से 1 घटेगा 27, यानी पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, आपके लिए ऑफ है, इसको करना है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदल दें, जैसे 3 + 2 लिखा हुआ है गुना 6 − 4 / 5 = 10 लाना है, तो पहला ऑप्शन में प्लस तथा गुना है, मतलब प्लस के स्थान पर गुना देना है, गुना के स्थान पर प्लस, बाकी को रहने देना है, कैलकुलेट करके 10 आया तब तो सही है, नहीं तो गलत है, अगला ऑप्शन चेक करना है।
दूसरा ऑप्शन है प्लस तथा माइनस, माने प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस, बाकी सबको वैसे ही रहना देना है। बाकी गुना भाग तो कैलकुलेशन आप 6000 प्रश्नों का मैथ में हल किए कितना बनाए हैं मैं आपको इतना देर में बताया था, लेकिन आपको कमेंट करना चाहिए, कैलकुलेशन से वंचित ना रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आ गई है। वह निश्चित कूट, एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट को कुछ लिखा है, पी ओ आर टी, पोर्ट को लिखा क्या है, तो 2491 लिखा है, और फिर म्यूस को एम यू सी, म्यूस को क्या लिखा है, 6 है 5 है 3 है 8 है, तो कंप्यूटर का लिखना है। तो बोलिए सर इसी में से तो चुन के सारा चीज लिख देंगे, कंप्यूटर का भी, इसमें डरने की क्या बात है, कंप्यूटर तो इसी से बना हुआ है। तो बना हुआ है तो आपको क्या करना है, जैसे हम आपको अमेरिका और इंडिया वाला एक बताए थे कि सामने सामने जिसके वही वाला लिख देना है, आपको कंप्यूटर का कोड कमेंट में जरूर देना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आइए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का है। जेसस, जी ए ई एस यू एस, जेसस को लिखा क्या है, ई जेड एन पी एन लिखा है जेसस को, हम लोग को निकालना किसका है, जे ए सी के, जैक को। तो ये किया क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये 10 होता है, 5 होता है, 19 होता है, 21 होता है, 19 होता है, हमें लगता है 5 घट गया, 5 यहाँ 5 घट गया 26 जेड, यहाँ 5 घट गया 14, यहाँ देख लीजिए 21 में 5 घट गया 16, फिर यहाँ 5 घट गया। तो आपको क्या करना है, 10 है, 1 है, ये 3 है और ये 11 है, 5 घटाइए, 5 घटेगा तो ई होगा, क्योंकि 10 में से 5 गया 5, 1 में से 5 घटेगा नहीं तो 1 को आप 27 भी बना सकते हैं, क्योंकि जेड तक 26 होता है, फिर ए 27 बी 28 इस प्रकार से, तो 27 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 मतलब बी 3 है, तो 3 को आप 26 पहचान लीजिए, 26 3 29 में 5 घटेगा कितना, 24 मतलब एक्स, ई कितना हो गया 11 में 5 घटेगा 6 मतलब एफ, हम लोग का आंसर होगा ई वी एक्स एफ, जैक को लिखेगा ई वी एक्स एफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है 7 7 7 7 और माना है आपको 14, बोल रहा है कौन सा सेट का चयन करें, तो बोले सर पीछे तो आप बताइए किए थे, पहला ऑप्शन रख के देखेंगे गुना प्लस भागा, आ गया 14 तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करनी है, जिसमें आ जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट करना है। इस प्रकार के ऑफर के लिए आप तैयार रहिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द सेंचुरी तक पहुंच सके, क्योंकि ये आप बना सकते हैं इसलिए मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बड़ा मजेदार है, त्रिभुज और गुना इस प्रकार से चतुर्भुज का मान 48 दिया है, उसके बाद है वृत्त और इस प्रकार से त्रिभुज गुना करके दिया है कितना 24, और इस प्रकार से ये चतुर्भुज इस प्रकार से करके दिया है और गुना ओ यानी वृत्त बराबर 8, तो बोल रहा है ये वाला चतुर्भुज और गुना त्रिभुज का मान क्या होगा 8, तो कुछ ऐसा फिक्स करके देखते हैं जो सबको सेटिस्फाई करे, इसको हम 6 और 8 रखते हैं, 6 8 48, हालांकि और भी रख सकते हैं लेकिन सब जगह ये लागू हो जाना चाहिए, इसको अब आप 6 रखें तो इसको 6 रखिए तो इसको 4 रखना पड़ेगा, अब इसको आप 4 रखें तो इसको 4 रखिए तो इसको 2 रखना पड़ेगा, सेटिस्फाइड होते चला गया सब रखते गए शुरू से, तो आप मान रखेंगे आ जाएगा इसको कितना लिए हैं 2, और त्रिभुज को कितना लिए थे ऊपर में 6, तो 6 दुनी हो जाएगा 12, यानी इसका जो मान आएगा 12, बस कॉमन सेंस लगाना था, सभी को सेटिस्फाइड करते जाएगा, बस यही ध्यान रखना है, एक त्रिभुज का मान जो है रखे वही सब जगह रखना है तभी आगे एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आ जाइए, बीच में भाट गायब है, 26 है 29 है 33 है 33 है, ठीक है, फिर 38 है, फिर भाट है, फिर 51 है, ये तो लग रहा है पहले तो 3 बढ़ाया है, फिर 29 से 33 4 बढ़ाया, फिर लगता है 5 बढ़ाया, तो इस बार 6 बढ़ा देते हैं, तो 38 में जब हम 6 बढ़ाएंगे तो 44 हो जाएगा, 44 में देखिए 7 बढ़ा के 51, यानी वाट के स्थान पे हम लोग का आंसर आ गया 44, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके लिए छोड़ूंगा ऑफर धमाका, बोले क्यों सर, क्योंकि किया कुछ नहीं, भाग का अर्थ माइनस, जहां पर आपको इसमें भाग नजर आ रहा है, जैसे ये है 7 × 3 + 2 ब्रैकेट हो गया, उसके बाद है -6 / 4, तो जहां पर भी भाग नजर आए वहां माइनस डाल दीजिए, नीचे लिखते जाइएगा, उसके बाद में गुना को प्लस माइनस का मतलब चिन्ह बदलना है, कैलकुलेशन तो आपको आता है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 तक पहुंच गए, यानी देखते ही देखते हाफ सेंचुरी हो गया और शतक भी लगा ही देंगे। इसी अवसर पर मैं फिर से बोलता हूं, दवा के शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी बचत वंचित नहीं रहना चाहिए। और अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले ही लाइक कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखें यहाँ पे कि नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है। युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, चलिए सही मानते हैं। बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ देते हैं, ये भी सही मानते हैं। पहला, युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, तो ये कन्फर्म नहीं है। कभी कभी पता होता है कि किस पर विश्वास किया जाए, लोग जानबूझ के भटकते हैं, तो ये पूरा कन्फर्म आप नहीं कर सकते हैं कि पता है या नहीं। महत्वाकांक्षी होने के कारण भी वो भटकते हैं। आगे, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ये सही हो सकता है, क्योंकि बुरे प्रभाव की वजह से वो भटक जाते हैं, बुरे संगत की वजह से। क्लियर है? ऊपर से तो यही पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सही होना चाहिए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाफ सेंचुरी के बाद अब शतक की ओर हम लोग अग्रसर कर गए हैं, बस एनर्जी बना के रखिए, जल्दी ही लास्ट करेंगे। कह रहा है, यदि किसी कुट भाषा में स्कूल को SCHOOL, स्कूल को क्या लिखा है, FPUBBY, तो पूछ रहा है कॉलेज को COLLEGE, कॉलेज के लिए बीच का अक्षर क्या होगा। तो बोले सर यहाँ 7 अक्षर है, तो 3 लेफ्ट 3 राइट छोड़िए, तो जो एल का कोड होगा ना वही बीच वाला होगा, हमें बीच वाला चाहिए, तो जो एल का कोड होगा वही लिख दीजिए। तो बोले सर कोड होगा कैसे, तो ऊपर के आधार पे होगा। देखिए तो ये 19 है, ये 6 है, हमें तो लगा है कि 13 घटा है, ये देखिए 3 है और ये 16 है, तो हमें भी लगा फिर 13 घटा, क्योंकि 3 को हम सी को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 26 3 29, क्योंकि जेड तक 26 होता है, ए 27 बी 28 सी 29 डी 30 ऐसे, तो 29 में से फिर 13 घटाएंगे 16, यहाँ देख लीजिए ये 8 है, आई कितना है 8 के बाद ही यू 21 होता है, तो 8 को हम 26 8 कितना 34, और 34 में 13 घटाएंगे तो 21, तो अब तो पता चल गया कि 13 ही घटा है, तो इसको केवल लिखेंगे 12 और 12 में 13 घटाएंगे, 13 घटाए 13 जोड़ भी सकते हैं तो सेम ही आएगा, तो 12 को हम लिख सकते हैं 26 और 12, तो बोले सर 26 में 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 38, और 38 में 13 घटे तो होगा 25, यानी हम लोग का एल के बदले बाई होगा। तो यही सिर्फ यही पूछ रहा है कि बीच वाले का अक्षर का कोड क्या होगा, शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीच में एल है और एल का यहाँ पर आया है बाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको भी एक दो बार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 से 54, मतलब एक ही बार में 3 क्वेश्चन खत्म। देखिए, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डायग्राम वाला, 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच, पीछे तमिल और तेलुगु वाला बताए थे ना, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 52, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले हैं 26, टोटल कितने हैं 70। अब कुछ बोला नहीं तो डायग्राम 70 का ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला नहीं है कि कुछ व्यक्ति गोंगा भी है नहीं बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो 70 का डायग्राम। आइए अब देखिए, पूरा 70 है जिसमें ये वाला गोला 52 का है, तो बोले सर ये 18 बचेगा, पूरा ये 26 में ये 18 है तो ये 8 बचेगा, ये पूरा 52 में ये 8 है तो ये 44 बचेगा। क्लियर हो गया? केवल इंग्लिश दोनों और केवल फ्रेंच का निकल गया, बस यही तो निकालना है। डायग्राम परसेंटेज में 20 क्वेश्चन एक टाइप में बताए हैं, अब आ जाइए आंसर मारिए क्वेश्चन नंबर 52 का। कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, सिर्फ फ्रेंच मतलब केवल फ्रेंच 18, 52 में 18 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 आइए, 53 बोल रहा है कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, सिर्फ अंग्रेजी है 44, और 44 है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाइए, 54 में है कितने व्यक्ति अंग्रेजी फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो 8, और 8 है ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने देखा केवल एडजस्टमेंट और 3 क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया, आराम से बन गया सेकेंडों में। क्लियर हुआ 54 तक? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 55 से 57 फिर 3 क्वेश्चन धजिया उड़ाएंगे और ऐसा ऐसा आएगा तो जल्दी खत्म भी होगा। तो यहाँ देख लीजिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है, जिसका जो कि इस शब्द का प्रयोग नजदीकतम नाम के लिए होता है। हु इज दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंग्लिश पढ़े होंगे उसमें उसका प्रयोग नजदीकतम नाउन के लिए होता है। तो यहाँ भी जिसका जो कि का प्रयोग जब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे ना मास्टर वीडियो तो बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। उसका ब्लड रिलेशन में भी इस्तेमाल होता है, कैलेंडर में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए पी ए का पिता है मतलब पी जो है ए का पिता है, पी पिता है मतलब पुरुष ही तो पता चल गया, लेकिन ए क्या है अभी पता नहीं। जिसका बेटा एस है, जिसका ए के लिए है, पी ए का पिता है जिसका, अब जिसका का नजदीकतम ए हो गया, जिसका बेटा एस है मतलब ए का बेटा है जो एस है, क्लियर है। आगे बढ़िए एल के की माँ है और एस की बहन है, लीजिए एस की बहन है कौन एल, लेकिन ये जो है ना ये के की माँ है, के की माँ है, इधर से देखा जाए तो ये माँ हो जाएगी क्योंकि एल के बारे में दोनों बात बोला है। एल के की माँ है जो जो एस की बहन है, सॉरी यहां पे गलत कर दिए, एल के की माँ है जो जो मतलब यहां पर के होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, फिर से इसको पढ़ते हैं यहीं पे जो और जो कि में कंफ्यूजन होते हैं। एल के की माँ है, एल के की माँ है जो एस की बहन है, तो इसको अलग थोड़ा लिख देते हैं, एल के की माँ है एल लिख देते हैं और यहाँ पे के लिख देते हैं, तो एल है जो माँ है किसकी, के की। अब जो आया तो जो एल के लिए नहीं आया, के लिए आया, जो और जिसका दोनों का नजदीक था, जो एस की बहन है मतलब के है जो एस की बहन है। आप बोलिए कि सर ए का ही बेटा है और इसकी के जो है क्या है बहन है, तो ये दोनों भाई बहन हो गया। इसकी माँ है और इसका बेटा है तो कन्फर्म है, ये दोनों भाई बहन में ये माँ पता चल गया तो कन्फर्म है ये पिता ही होगा, क्लियर है। तभी तो चूंकि इसका बेटा इसकी बहन है तो इसका ही बेटी हो जाएगी और ई माँ है तो ये दोनों क्या हो जाएगी पति पत्नी। आप पढ़िए और फटाफट आंसर मांगिए। ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से, ए का एल से तो निश्चित ही पति है, इसके लिए ही क्या हो गया पति, ध्यान रखिएगा पति और ये क्या हो गया पत्नी। लेकिन आपको क्या बताया जिसमें से लगा रहे उसका वाला आंसर नहीं होगा, का वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में पति पत्नी दोनों दिया है तो पूछ रहा है ए का एल से, एल में से लगा तो आंसर ए वाला होगा और ये है पति, यानी आंसर होगा पति यानी बी। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हुआ। आइए 56 आइए 56। ए का के से क्या संबंध है, ए का के से तो ए जो है के का क्या लगेगा, तो बोले सर पिता लगेगा। ए का के से, के में का लगता तो पुत्री हो जाता लेकिन से लग गया तो ए वाला ही आंसर होगा यानी पिता, और पिता है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, पी का एल से क्या संबंध है, तो पहले पी को देखेंगे, पी और यहां कौन है एल, तो बोलिया कि सर पी जो है ए का पिता है और ये पत्नी है तो इसका ही ससुर हो जाएगा, ससुर। तो बोल रहा है पी का एल से, तो एल में से लग गया तो आंसर पी मतलब का वाला होगा तो होगा ससुर, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो केवल यहां देख लीजिए कितना कंफ्यूजन था का और से के वजह से, सब में का और से लगा हुआ था और ऑप्शन दिया हुआ भी था कंफ्यूजन के लिए, लेकिन यहाँ पे जो और जिसका के कारण बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। तो जिसमें जो या जिसका लगा रहे नजदीकतम के लिए प्रयोग होता है और ये सिटिंग अरेंजमेंट में बारीकी से समझाएंगे जब मास्टर वीडियो पढ़ाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जो मांग है उसको खुल के बोलिए, मैं प्रयास करूंगा अवेलेबल करवाने का, हर समय मैं प्रयासरत रहता हूँ आप ही के लिए, और आप लोग हर समय प्रयासरत रहिए कि जितने विद्यार्थियों तक ये चैनल का लिंक पहुंच पाए ताकि सभी को लाभ मिले। तो हम लोग देख लिए 57 था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आ गया। डायग्राम से देखते हैं सार्वजनिक का, सभी आम मीठे हैं, लो सभी के सभी आम मीठे हैं, बड़ा मजेदार आम है देख लो। कहता है कुछ सेब मीठे हैं, मतलब मीठा का कुछ भाग सेब भी है, ऐसा डायग्राम बना। सभी गोलाकार फल मीठे हैं, तो गोलाकार एक अंदर में ऐसे बना देते हैं, जितना भी गोलाकार फल है वो क्या है मीठे हैं। जेनी एक मीठा फल खा रही है, अब जेनी मीठा फल खा रही है तो क्या खा रही है वो पूछेगा। निम्न में से कौन सा अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, जेनी एक सेब खा रही है, खा सकती है, काहे कि सेब का कुछ भाग मीठा है लेकिन कन्फर्म नहीं है,
कंफर्म है कि सेवक आ रहे, क्योंकि सेव का कुछ ही भाग मीठा है, कुछ मीठा नहीं भी है। यहाँ देख लीजिए, जेनी को नींबू पसंद है, ये तो नींबू का चर्चा ही नहीं है। जेनी का नारंगी पसंद है, ये दोनों ऐसे ही छट गया। जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। सही तो ए भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म आंसर नहीं है, क्योंकि जेनी सेब खा सकती है और नहीं भी खा सकती है, लेकिन आम खाने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि जितना के जितना आम है सब मीठे हैं और जेनी मीठे फल खा रही है, इसलिए आम होगा। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, आम हो सकता है क्योंकि टोटल आम मीठे हैं, और इसमें थोड़ा सा संदेह हो जाएगा क्योंकि टोटल सेब मीठे नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आ जाइए, मजेदार क्वेश्चन। इनमें से विषम पद को चुने, तो देखिए इसमें कोड के आधार पर तो नहीं पता चला है विषम कौन है, यदि आपको पता चला ऑप्शन देना है, लेकिन यदि फुल फॉर्म पे छाटता है जैसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम ऐसे करके कुछ बना है शाब्दिक अर्थ, तो इसका आंसर डी दिया है BMI, लेकिन कोड पे सम विषम करके भी छाटे तो पता नहीं चला है। आप देखिए इस बुक का सबसे बड़ा आदत है कि कुछ त्रुटियां रहता है क्वेश्चन में तो या तो डायरेक्ट आंसर दे देता है, कुछ उसका डिस्कशन नहीं देता है ताकि पता भी लगाया जा सके। तो वैसे तो आंसर दे रहा है BMI, लेकिन ये किया क्या है थोड़ा सा आपको कमेंट करना यदि पता चले तो। क्लियर है, ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आ जाइए। केवल चिन्ह रखना है, ए को गुना, बी को भाग और सी को प्लस, 7A 5C और 1B, फिर 6 है, इसका मान निकालना है, और इसका मान हम नहीं बताएंगे, जो करना है कर लेना, इसका जवाब आपको कमेंट में देना चाहिए। केवल चिन्ह बदलना और जोड़ घटा तो आपके बच्चे भी बना देंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 भी आपसे बनने लायक है, लेकिन मैं बताऊंगा। अल्फा ALPHA, अल्फा को लिखा है 36 और बीटा यानी बेटा को लिखा है 26 और डेल्टा का पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, लगता है कोड लिख दिया है, तो लिखते हैं कुछ क्या किया है, कोड लिख के कुछ उल्टा पुल्टा किया है क्या। एक है L12 होता है, P16 होता है, H8 और A1। मैं लिख के इसलिए बताता हूं कि लास्ट होते होते एकदम माइंड में पूरा फिट हो जाए कोड। तो 1, 12, 13, 13, 16, 29, 29, 31, 38, 38 में से 2 घटेगा 36, मतलब लगता है कोड जोड़ के 2 घटाया है। देखते हैं दूसरा भी लागू होता है कि नहीं। 2, 5, 20, 21, 26, 28 में से 2 घटेगा 26। हम लोग भी इसको ऐसे बनाएंगे, 4, 5, 9, 9 और 12, 21, 21 और 20 कितना होगा 41 और 41 और 1 42 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन मिला लीजिए, 40 दिया हुआ है, कितना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड लगाना पड़ेगा। क्या है काउ और भागा है, तो भागा को हम बटा लिख देते हैं, CW बराबर 13 लिखा है, तो बोला है काउ का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब काउ में CW से भागा दिए हैं तो 13 आया, तो निश्चित से 13 को इधर और CW को उधर ले जाएंगे, तो जो काऊ है वो 13 से कटने वाला होगा। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन 13 से कटने लायक है। पहला ये है 13 × 26, फिर 1 बजेगा, 13 से नहीं कटेगा। बी ऑप्शन 13 से कट रहा है क्योंकि 195 में 13 से भाग दीजिए तो 15 आएगा, 15। तो हमें लगता है कि काऊ को 195 और CW को 15 लिखा जाए तो 13 आ ही जाएगा, यानी कह सकते हैं कि काऊ के बदले 195 पूरा पूरी बैठ रहा है, क्योंकि 15 CW को लेकर चलते हैं और भाग देते हैं तो 13 आ ही जाता है, और एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा है, आगे देख लीजिए आप नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 195, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, कहता कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी। तो ऑप्शन ए से पता चल रहा है कि 64 होगा, क्योंकि श्रेणी ए जो दिया हुआ है स्क्वायर का दिया हुआ है 1, 4, 9 स्क्वायर, और बी जो दिया हुआ है श्रेणी बी, ऐसे करके श्रेणी बी जो दिया हुआ क्यूब का है 1, 8, 27। तो ऑप्शन ही देख लीजिए ना, 64 को देखिए, ये स्क्वायर के अंतर्गत भी आ रहा है, क्यूब के भी अंतर्गत, तो इसलिए हम लोग का आंसर 64 हो जाएगा। ज्यादा इसमें लंबा सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों में आना चाहिए, मतलब किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए, किसी का क्यूब भी होना चाहिए। तो देखिए एक ही ऑप्शन तो है और वो है 64, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 आ जाइए, संख्या श्रृंखला, इस श्रृंखला में प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आएगा, 2 है, 8 है, फिर 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। देखिए तो लगता है 12 झूठा था, यहाँ देखिए 10, यहाँ 8, तो यहाँ 6, तो 12 में 6 घटेगा 6 और यहाँ 4,
यानी भाट के स्थान पे क्या आ गया छे, मतलब शुरू में भाट रहे ना तो लास्ट से देखना स्टार्ट करें, लास्ट में भाट रहे तो शुरू से देखना स्टार्ट करें, सीरीज पता चल जाएगा फटाक से। छे हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 फिर से कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ पे कोडिंग का है, बी है, डी है, एच है, एन है, भाट है, तो यहाँ पे दो बढ़ा है क्योंकि दो चार है, यहाँ पे चार बढ़ा है क्योंकि आठ है, यहाँ पे छह बढ़ा है, आठ छह चौदह, तो यहाँ पे आठ बढ़ेगा, तो चौदह और आठ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, चौदह आठ हो जाता है बाईस, बाईस मतलब होता है भी, यानी भाट के स्थान पे होना चाहिए भी, बस कोड याद रखिए ना, ये सब क्वेश्चन तो आराम से बनेगा, और भी है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 बड़ा इंटरेस्टिंग वीवीआई क्वेश्चन, बहुत मजेदार है, देखिए ई संबंधित है बी एच से, ई संबंधित किससे है बी एच से, तो बोला उसी प्रकार से एन किससे संबंधित होगा, तो बोले सर एगो के बदले दो को आ गया, ई पांच होता है और ये दो है ये आठ होता है, हमें लगता है एक बार तीन बैक चला गया है और एक बार तीन आगे चला गया है, तो आप भी ऐसी करिए एक बार तीन बैक कर दीजिए एक बार तीन आगे, तो ये चौदह होता है एन, इसीलिए तो बोलते हैं एन का कोड एकदम, मतलब जो ए टू जेड जो अल्फाबेट है कोड एकदम कंफर्म माइंड में फिट रहना चाहिए, तो चौदह में तीन घटे तो ग्यारह मतलब के, और चौदह में तीन जुटेगा सत्रह मतलब क्यू, यानी जो एन का अर्थ होगा इसके अनुसार वो होगा के क्यू, और के क्यू है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन नंबर 67 भी ऑफर धमाका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विश्व यादि बोधक को भागा लिखा है, हच को हच बराबर प्लस है, ऊपर कह रहे उसको गुना और इसका मान पूछ रहा है, तो जो जिसके बदले है वहां पे मैथमेटिकल संक्रिया लिख देंगे, और पहले का के पीछे भाग, बोलमास का नियम है, पहले भाग वाला फिर गुना फिर जोड़ घटा, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए, ताकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूं उत्साहित होकर, क्योंकि मैं मेहनत कर देता हूं आप आंसर देते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि और बेहतर ढंग से आपको पढ़ाऊं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, सन को लिखा है 108, सन को 108 और मून को लिख दिया है 114, तो पूछ रहा है बताइए स्टार को क्या लिखेगा, भाई क्या कोडिंग किया है जरा कोड लिख के बताते हैं, ये 19 है, ये 21 है और ये 14 है, 19 और 21 कितना होता है 40, 40 और 14 54, और 54 दूनी होता है 108, अब पता चला इसका हाल, मतलब ये कोड को जोड़ के ना दुगना किया है, देखते हैं दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 13 15 15 14 15 15 30, 30 और 13 43 और 14 57 दुनिया 114, तो हम लोग भी दुगना कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे भाट दे देते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, इसका कोड लिखिए और दुगना करिए, दुगना तो कोई भी कर सकता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आ जाइए, अब देखिए मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए 69 फिर से कथन निष्कर्ष आ गया, तो कथन पढ़ लीजिए, पहला कथन, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ रहा है, सही बात भी है और सही मानना भी है आपको, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं ये भी सही मानना ही है, कथन सब ज्ञात तथ्यों से मेल खाए या ना खाए, गधा को बैल बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा, तो यहां भी मानना और ये कथन मतलब तो मैक्सिमम सही ही होता है। अब आइए निष्कर्ष इस पर निकालते हैं, यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं हो, बिल्कुल गलत, कार से प्रदूषण कई गुना बढ़ता है, लेकिन ये जरूरी है कि केवल कार से ही बढ़ता है, और भी बहुत सारे फैक्ट्री हैं जिसके माध्यम से प्रदूषण बढ़ता है, तो ये बोल रहा है कार नहीं हो तो प्रदूषण ही नहीं होगा, गलत बात है। दूसरा है पक्षपात वाला बात हो जाए, जहां पर मैक्सिमम निष्कर्ष गलत होता है, डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं, तो बिल्कुल सरासर इंजाम लगाना हो गया है ना, कि प्रदूषण के कारण ही कमाते हैं, ये बहुत सारे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कथन में ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हुआ, तो यहाँ पे दोनों का दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते ही देखते पहुंच गए 70 तक, अब 30 क्वेश्चन और बचा है, सेंचुरी के करीब पहुंचने वाले हैं, बिना शतक के तो आउट होने वाले हैं नहीं, बस आप लगातार बने रहिए, नीचे कथन और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, ये बात तो बार बार पढ़ते ही है, लेकिन सालोनिज में डायग्राम से बताते हैं, कुछ बच्चे होशियार हैं, लो कुछ बच्चे होशियार हैं आपके जैसे होशियार बच्चे, जैसे आप लोग हैं मेहनत कर रहे हैं होशियार बन के, उसी प्रकार से कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे खिलाड़ी भी हैं, अब बच्चे का ही कुछ भाग खिलाड़ी है,
यहाँ पे आंसर में त्रुटि सुधारिएगा। हालांकि इसका दूसरा डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे ये बच्चे का डायग्राम हो गया, कुछ बच्चे होशियार हैं तो ये होशियार का हो गया और ये खिलाड़ी का हो गया। लेकिन होशियार वाला में भी यहाँ खिलाड़ी आ गया है जो कथन में ऐसा नहीं बोला है। लेकिन ये डायग्राम कब बनता है, जब ऑप्शन में या करके दिया रहे कि एक या दो सही है, ऐसा वाला भी सैनोरिन पढ़ाएंगे तो आएगा और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में हो, जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल एक है, केवल दो है या एक और दो दोनों है, इसलिए इसी डायग्राम से काम चलेगा। मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं इसमें साइलोरिज में कि कथन में जिस शब्दों के बीच कोई संबंध ना हो उसका कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा, हाँ वाला भी और नहीं वाला भी नहीं। लेकिन एक ही चीज के बारे में एक बार बोले है और एक बार बोले नहीं है तो दोनों से कोई सही हो सकता है या करके। जैसे एग्जाम्पल बोले, आप कोई बोलता है कि आर के सर पढ़ा रहे हैं और एक बोलता है नहीं पढ़ा रहे, तो निश्चित है दोनों में से किसी एक का बात सही हो सकता है, इसलिए या करके होगा। क्लियर है? तो यहां देख लीजिए डायग्राम तो बना दिए, निष्कर्ष कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, तो खिलाड़ी और होशियार में कथन में कुछ चर्चा ही नहीं किया है, हो भी सकता है ऐसा डायग्राम बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, कंफर्म नहीं है, इसलिए आपको गलत ही मानना पड़ेगा। दूसरा दूसरा कथन, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, तो होशियार बच्चे तो हैं लेकिन खिलाड़ी है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि होशियार खिलाड़ी में कथन में कहीं भी कोई मतलब ऐसा चर्चा ही नहीं किया कि कुछ होशियार भी खिलाड़ी, यदि बोलता तो हो सकता था और नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, तो ऐसा स्थिति में निष्कर्ष निकलेगा नहीं, दोनों का दोनों गलत, जबकि आंसर दोनों सही दिया है, जो सरासर गलत है मैं आपको साइनोरिज में प्रूफ करके बताऊंगा। तो यहाँ पे होना चाहिए दोनों गलत है, एक और दो कोई अनुसरण नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, त्रिभुज और वृत्त के बराबर लिखा गया है बाम है, उसके बाद में लिखा हुआ है चतुर्भुज और हच को लिखा है 43। तो पूछ रहा है कि हच और त्रिभुज और चतुर्भुज को क्या लिखेंगे, तो कुछ करना नहीं यहाँ पे, सिर्फ देख के लिख दीजिए, हच के बदले क्या लिखेंगे 3, त्रिभुज के बदले क्या लिखेंगे 5 और चतुर्भुज के बदले 4, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 354। बस सिर्फ कोड को सामने सामने था इसके बदले उसको लिख दिए, 354 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 आइए, फिर से कथन और निष्कर्ष, तो पहले कथन आराम से पढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है या नहीं है, आपको सही मान लेना है केवल अमीर, क्योंकि कथन के अनुसार ही निष्कर्ष छापना है। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, विनियमित मतलब उसको फैलाया जाना चाहिए, मार्केटिंग विनिमय मतलब होता है। तो आइए पहला निष्कर्ष, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ कथन में नहीं बोला है राष्ट्रीयकरण का बात, गलत। स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं, बिल्कुल गलत है, मतलब यहां बोल रहा है कि स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, ऊपर बोला है केवल अमीरों के लिए है, पक्षपात तो किया है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए नहीं है ये बोलता तो चलता, क्योंकि वो केवल अमीरों के लिए लिख दिया, लेकिन बोल रहा है कि गरीबों के लिए आवश्यक ही नहीं है, यहाँ जो आवश्यक लगा दिया ना गलत कर दिया इसको, यानी दोनों के दोनों गलत है। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, यहाँ पे होना चाहिए कि एक या दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, मजेदार है, 3 को 27 लिखा है, तो आप बना ही लीजिएगा, तो बोल रहा है 5 को यहाँ पे वाट, तो बोले सर दिक्कत क्या आई, 3 को क्या किया क्यूब कर दिया, तो हम लोग भी 5 को क्यूब करेंगे और 5 का क्यूब 125 होता है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे माइंड में आंसर क्लिक करेगा, 125 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 आ जाएगी, सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूं और परसों शुक्रवार से होने वाली अपनी परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचूंगा, तो पहुंचूंगी तो आज ले लीजिए, और वो पहुंचने वाले कब है परसों, और परसों का जो उन्होंने नाम दिया है वो शुक्रवार है, तो परसों शुक्रवार है तो कल निश्चित रूप से गुरुवार होगा, गुरुवार होगा, और आज कौन सा दिन हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, तभी तो ऐसा संभव है कि परसों शुक्रवार यानी बुधवार को बोल रही है। तो सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूं और परसों शुक्रवार से होने वाली परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचूंगी, इस बातचीत में कल कौन सा दिन है, तो कल गुरुवार है, तभी तो परसों शुक्रवार होगा, तो गुरुवार हो गया हम लोग का ऑप्शन, मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, ये तो आप खुद ही बना सकते हो, बिल्ली
चूहा, बिल्ली अनुपात चूहा है तो सांप अनुपात, तो आप जानते हैं बिल्ली चूहा में दुश्मनी चलती है, तो सांप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नेवला है। इसमें डरने कोई बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हम लोग सेंचुरी तक पहुंचने ही वाले हैं, 25 क्वेश्चन और है। कह रहा है क्या, 1 को 2 लिखा है, 3 को 6, 4 को 8, बोलिए सर लगता है दुगना लिख दिया है, और प्लस को माइनस लिखा है, तो 41 + 34 + 13 का मान क्या होगा? तो बोलिए सर दुगना करिए ना, 4 को 8, 1 को 2, प्लस को माइनस, 3 को 6, 4 को 8, प्लस को माइनस, 1 को 2 और 3 के 6, ये जो घटा के आएगा वो आंसर होगा, तो घटा दीजिए, 12 में से 8 घटेगा 4, ये कितना बचा 7, 7 में से 6 घटेगा 1, 14 हो गया, और -26, 14 में 26 घटेगा तो कितना -12, यानी यहाँ पे भाट के स्थान पे हो गया -12, क्लियर हो गया, -12 ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 से 79, देख लीजिए 77, 78, 79 एक ही में है, बस एडजस्ट करना है। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है, बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है, लो बिंदु को ठीक बीच में कर दिए, बीच में कर दिए, बिंदु के बाएं आशा छट्टी है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बिंदु लड़कियों की कितना लड़के पता नहीं लेकिन ये बीच में है, एकदम बीचे बीच में है, मतलब इसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में दोनों तरफ संख्या बराबर है, क्लियर है, तो बोल रहा बिंदु से छठी, बिंदु के बाएं आशा छठी, तो बाएं इधर होगा दाएं इधर होगा, तो छठी हो गया आशा, छठी है आशा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इधर छेवे व्यक्ति है, छेवे लड़की है, ज्यादा भी रह सकता है, आगे पढ़िए, और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है, मतलब इधर जो है ऋतु जो है वो 16वीं है, तो बोलिए कि सर यदि 16वीं ऋतु है तो कम से कम इधर भी 16 तो होना ही चाहिए, 16 लड़की और इधर 16 लड़की, इधर तो 16वीं से पता चलेगा कि बिंदु के दाएं में 16 लड़की है क्योंकि ऋतु 16वीं है, तो कम से कम 16 को रहेगी, और इधर ही तो आशा छठी है, तो क्या हम 6वें बोलेंगे तो बिंदु बीचों बीच में आएगी? नहीं आएगी, बीचों बीच का मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उसके संख्या बराबर हो, तो कम से कम 16 तो लेना पड़ेगा जिसमें आशा भले छठी है, तो अब आ जाइए आंसर पर, क्वेश्चन नंबर 77 में आइए, पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है? तब बोले सर जब 16 राइट ले लिए हैं तो 16 लेफ्ट लेना पड़ेगा तभी तो बीच में आएगा, तो इसका तो 17वीं हो गया, किधरों से देखा जाए तो 17वीं ही होगा, और 17वीं दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाइए, पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या, तो आपको बता ही दिए कि ऋतु 16वीं है तो कम से कम 16 तो इधर लेना ही पड़ेगा इसको बीच में रखने के लिए, तो 16 16 32 और एक बिंदु 33, 33 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पंक्ति में आशा की स्थिति क्या है? तो बोलिए सर आशा तो बिंदु से बाएं छठी है ना, तो शुरू से यदि देखा जाए तो 16 में 6 तो आशा तक ही हो गया, तो इधर 10 है, 10 6 16, तो ये 10 इधर हो गया और आशा यहाँ पे है 1, यानी आशा हो जाएगी 11वीं नंबर पर, 11वीं यानी 79 के 11वीं नंबर पर होगी आशा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बस केवल एडजस्टमेंट देखना था, बिंदु को बीच में कर देना था, तो मैक्सिमम ऋतु 16 है तो कम से कम इधर भी 16 लेकर चलना होगा, बाकी तो आंसर फटाफट मार ही लिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 से 82, मतलब 3 क्वेश्चन यहां भी उड़ाएंगे और फटाफट अपने सतह की ओर पहुंच भी रहे हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका का संदर्भ ले और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तालिका बना हुआ है बड़ा सा, मैं नहीं बनाऊंगा, आइए देखिए। हम पुरुष प्रतिभागियों की कुल प्रतिभागियों की आधी है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या आधा है, ध्यान रखना है। के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी है, किसके क्षेत्र में? अभिनय के क्षेत्र में, गायन है, नृत्य है, अभिनय है। अब क्वेश्चन नंबर 80 से फटाफट आइए, महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, क्षेत्र में पूछा है कुल, तो बोलिया कि सर गायन में टोटल 180 है, देखिए लास्ट में, और आधा पुरुष है तो महिला आधा, आधा पुरुष है तो महिला आधा होगा, इसमें क्या डाउट है, तो काट देते हैं 90 हो गया। प्लस नृत्य में कुल प्रतिभागी 284 है जिसमें आधा पुरुष सूर्य बोल दिया तो आधा महिला, काटेंगे 14 2 28 2 2 4 जोड़ते हैं 2 0 2 2 4 9 13 के 3 बचा 1 1 और 1 2 232
पहला क्वेश्चन हो गया, 80 का आंसर हो गया 232, ऑप्शन नंबर सी महिला प्रतिभागी। बोले क्यों सर अभिनय के आधा क्यों नहीं किए, क्योंकि आप उभरे लिख दिया कि अभिनय में केवल पुरुष प्रतिभागी है, अभिनय में महिला नहीं है। तो केवल आपका गायन वाला का आधा पुरुष है तो आधा महिला, और नृत्य में आधा पुरुष है तो आधा महिला, क्योंकि शुरू में लिख दिया कुल का आधा पुरुष है। आ गया नहीं, 80 हो गया, 80 के बाद 81। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो ये तो देखते ही ग्राफ टेबल को देखते ही लग रहा है कि केरल में है, क्योंकि केरल में गायन में 74 है, 74 के आधा 37, नृत्य में भी सबसे ज्यादा 120 के आधा 60 पुरुष, और 36 के 36 अभिनय में टोटल पुरुष है। आप जोड़ लीजिए, ऐसे ही देखने में लग रहा है कि जब टोटल है तो उसका आधा करें तो अधिक ही होगा, और नीचे में भी 36 पुरुष है, ये है। तो पुरुष की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो केरल में है, और केरल दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी, 81 का सी। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? तो बोलिए कि सर आपका गायन में 180 में आधा पुरुष है, ठीक है, उसके बाद में 284 है नृत्य में, उसमें आधा पुरुष है, और अभिनय में तो टोटल के टोटल 96 पुरुष है। तो इसको काटेंगे 90, इसको काटेंगे 142 और प्लस 96, इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ के तो आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जोड़ घटाव तो आता ही होगा, आपको बचपन से सीखते आ रहे हैं जोड़ घटाव, बिल्कुल जोड़ घटाव में एकदम पारंगत हो गए हैं, बादशाह है आप जोड़ घटाव के। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज 83 फिर से आ गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग अकाउंट, ACOUNT अकाउंट को लिखा है, क्या लिखा है? तो लिखा है NPPBHAG। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि ऑनलाइन को क्या लिखेगा? ऑनलाइन। बोले सर लगता है कोड एक होता है ना, तीन है, तीन है, 15 है, U21 है, N14 है, और T20 होता है। मैं कोड जानबूझ के लिखता हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो ये हो गया है कितना, 14 हो गया है, तो 13 बढ़ा, 3 से ही 16 हो गया, 13 बढ़ा, 3 से ही 16 हो गया 13। अब पता चल गया आगे 13-13 ही बढ़ेगा, तो आप भी 13 बढ़ा दीजिए। ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14, ये 5, 13 बढ़ाइए, 15 और 13 28, 28 को बी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 जेड तक समाप्त होता है। ए 27, बी 28, सी 29, याद रखिएगा। 14 फिर 13 बढ़ाएंगे 27, 27 मतलब ए, 12 में 13 बढ़ाएंगे 25, 25 मतलब बाई, बी ए बाई, कहीं एक ऑप्शन ही मिल गया, एक ऑप्शन मिल गया बी ए बाई, उसके बाद भी आर ऑप्शन नंबर डी है, और कोई ऑप्शन में बी ए बाई है ही नहीं, तो हम लोग का आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो? तो ऐसे भी ऑप्शन आप मिलाते चलिए ताकि आपका 2-4 सेकंड समय बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, नीचे दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो डी क्यू है, फिर कॉमा है, एफ एस है, फिर कॉमा है, एच यू है, फिर कॉमा है, फिर खाली स्थान। तो यदि अल्टरनेट एक एक छोड़ के देखा जाए तो ये 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, तो फिर से 2 बढ़ेगा, तो 8 दू 10, 10 मतलब जे होता है, इक्यू 17 है, एस 19, 17 दू 19, 19 दू 21, तो 21 दू 23 मतलब डब्ल्यू, यानी हम लोग का आंसर हो गया जे डब्ल्यू। बस कोड याद रहना चाहिए ना, ये लास्ट प्रैक्टिस होते होते इस समय बहुत स्पीड आ जाएगा, तो जे डब्ल्यू हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 फिर से आ गया मजेदार क्वेश्चन, ये आ गया साइनोरिज्म। ए में कथा कुछ डॉक्टर कारीगर है, माने डॉक्टर का जो कुछ भाग है वो कारीगर है, कुछ डॉक्टर कारीगर है, सभी कारीगर लंबे हैं, जितना के जितना कारीगर है सब लंबे हैं। अब आ जाइए कथन पहला, सभी डॉक्टर छोटे हैं। बोले सर छोटा का तो बात ही नहीं किया है, तो यहां पे ये गलत हो गया। दूसरा नंबर आ जाइए, कुछ कारीगर पुरुष है। बोलिए सर पुरुष का तो यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं किया है, ये तो सरासर गलत है और आराम से पता भी लग रहा है, यानी कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, 49 है, 63 है, 77 है और 119 है। तो यहाँ पढ़ा निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करिए, मतलब डिफरेंट को छांटना है। तो एक चीज तो पता चल रहा है कि सब में 7 जरूर है, 7 × 49, 7 × 63, 7 × 11 और 7 ×
17। तो देख लीजिए, मैं आपको पीछे भी ऐसा क्वेश्चन बताया था कि ऐसा आप सही बनाएंगे, हम अपने स्तर से भी सही, हो सकता है बोर्ड दूसरा तरीका छाप दे। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे सर ये स्क्वायर है, बाकी सब स्क्वायर नहीं, इसलिए ही डिफरेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, सात सब में गुना हुआ है, अब इसमें सात गुना है, इसमें नौ है, इसमें ग्यारह और सत्रह, तो सात ग्यारह और सत्रह अभाज्य है, मतलब सात के साथ अभाज्य, सब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है और ये भाज्य है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा 63। ठीक है, लेकिन ये ऐसा वाला बार बार कंफ्यूजन होता है, आप एग्जाम देके आता है दावा करते हैं सर ये मेरा सही है, हम बताएंगे कि ये मेरा सही हो सकता है बोर्ड कुछ और, अब उसका भी सही हो सकता है, तो इसमें है कि ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो फिर अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट 63 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, तो आप ही को बनाना है, वीडियो पॉज करिए जरूर बनाए। प्लस को भागा माइनस को गुना समझा जाए, बस 8 प्लस 6 और माइनस 3 है, बहुत छोटा है, इसका जवाब कमेंट में देना, आप तो माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं तो वही पहले पढ़ लीजिए। सायलोजिज्म है, सेब लाल है, जितना भी सेब है सब क्या है, लाल है, सेब लाल है, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, लाल अलग है और सस्ता अलग है, लाल वाला सस्ता में सटेगा भी नहीं, सस्ता है ही नहीं, क्लियर है। तो अब आइए निष्कर्ष में, सभी सेब सस्ते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि सेब लाल है और लाल सस्ता है ये नहीं, तो सेब सस्ता कहां से होगा। दूसरा, लाल सेब सस्ते नहीं है, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि लाल सेब सस्ते नहीं है, क्योंकि सेब है लाल है और लाल फल सस्ता है ही नहीं, तो दूसरा सही है। वैसे भी कथन से भी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो निष्कर्ष तो निगेटिव ही निकलेगा, तो यहां होना चाहिए कि दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाला, सभी प्रैक्टिस जबरदस्त होगा और हम लोग अपने शतक के करीब हैं, बस लास्ट ही पहुंचने वाले, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, पूरा अपने आप को एनर्जेटिक, पता भी नहीं चला हम लोग 100 के पास पहुंच गए हैं। कह रहा है ए कोई कथन है, ए कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, ए बी में कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, ऐसा बोला है, यहाँ पे बोला है देखिए गायन अलग है, गायन अलग है, शिक्षिकाएं अलग है, शिक्षिकाएं अलग है, तो यहाँ पे शिक्षिकाएं अलग है, लेकिन शिक्षिकाओं का कुछ भाग नृत्य कर सकती है। अब आइए निष्कर्ष, सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, गलत, कुछ को सभी में आप नहीं ला सकते हो। दूसरा, कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, तो ये बात तो सही हो जाएगा, क्योंकि गायन शुरू में कथने में लिखा है कि कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, बाद में लिखा है कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, तो निश्चित रूप से आपका ये सही होना चाहिए। लेकिन कोई पार्टिकुलरली संस्थान की बात किया जाए तो वहां पर में ऊपर में यदि बोले कि कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, और यहाँ कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, दबाव डाल के बोला है, इसलिए गलत होगा, नहीं तो ये तो सही ही होना चाहिए, और इसी आधार पे इसको गलत दिया भी है आंसर, कि कोई भी दबाव डाल के, जैसे कोई शिक्षिका गायन नहीं है, कोई पार्टिकुलर संस्थान की बात कर रहा है, और कोई भी शिक्षिका गायन नहीं है, ये पूरा का बात कर दिया कि कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, इसलिए इसको गलत दे दिया, यानी यहाँ पे दोनों के दोनों गलत हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, हैप्पी, यानी आप वीडियो देख के हो गए हैप्पी हैप्पी, ठीक है ना, सब क्वेश्चन हम लोग उड़ा दिए, और इसको लिखा है 66, इकिया क्या है, तो देखते हैं, एच 8 होता है, ए 1 होता है, पी 16 होता है, 16 होता है, 25 होता है, तो 16 16 32 और 8 40 41 और 25 66, लगता है कोड को जोड़ दिया है, और जब कोड जोड़ने की बात हो तो सौरो लिखा है, एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, कैपिटल ही लिखना चाहिए, लेकिन स्मॉल लिख दिया उससे क्या होगा, हम लोग कोड लिखना है, इसको भी जोड़े ना 108 आ ही जाएगा, 19 है 16 है, सॉरी वो 15 होता है, 18 है 18 है, फिर 15 फिर 23, आप जोड़ दीजिए 18 18 36 15 15 30 66, तो ऐसे हो गया, 19 और 23 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 42, मिला के 108 हो ही गया। अब आपको लिखना है किसका, तो लिखना है लाफ का, एल ए यू जी एच, अब इसको तो हम लिखेंगे नहीं, इसको आप ही को लिखना है, केवल कोड को जोड़ना है, क्लियर है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तो आप बादशाह पहले से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 आ जाइए,
अब 10 क्वेश्चन और हैं, इसलिए बच के चलना है, आउट नहीं होना है, शतक मार ही देना है और मार ही देंगे। 36 है, 100 है, फिर 196 है, तो भाट है। बोलिए सर ये 6 के स्क्वायर है, ये 10 के स्क्वायर है, 14 के स्क्वायर है, 6 4 10 10 4 14, तो निश्चित है इस बार 4 बढ़ेंगे तो 18 के स्क्वायर होना चाहिए, और 18 का स्क्वायर 324, क्योंकि स्क्वायर में आपको 50 तक का स्क्वायर हम याद करवाए थे। तो अगला जो आएगा 324, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, एक एक क्वेश्चन मैदान है। देखिए कहता है 1 + 2 = 5 लिखा है, अब 1 + 2 = 5 क्यों लिखेगा भाई, 3 + 4 = 25 लिखा है, काहे लिख दिया है, और पूछ रहा है 5 + 6 को बताओ। तो रीजनिंग से सोचिए, 1 2 तो ऐसे 3 होता है, लेकिन 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 2 के स्क्वायर 4 5, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 16 9 25, तो अगला का आंसर होगा 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, यानी 25 + 36 जोड़ेंगे आएगा 61, यानी कि 61 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 आए, लिखा हुआ है 72 फिर भाट फिर 8 फिर भाट फिर 3 = 27। अब ऑप्शन देखिए कौन सा चिन्ह आना चाहिए, पहला ऑप्शन है प्लस गुना, मतलब यहाँ पर प्लस यहाँ पर गुना, आपको 27 लाना है, यदि नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, भागा गुना, यहाँ पे भागा यहाँ पे गुना, भागा देंगे तो 8 × 72 = 27, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। बी यदि सही नहीं आता तो सी चेक करते, फिर डी कोई ना कोई सही होता, पीछे भी आपको बताए थे, तो यहाँ पे बी में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए, कुछ करना नहीं, एक्स को प्लस वाई को गुना जेड को माइनस, 3x 4y 2z और 9 है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान तो हम बताएंगे नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए, कमेंट में जो भी बोलना है बोल लीजिए, लेकिन कुछ मत बोलिए, सीधा इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए, बहुत आसान है, सिर्फ चिन्ह बदलना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, फायर को कुछ लिखा है FIRE, फायर को लिखा है ये क्या, 6 9 फिर 18 है फिर 5 है, SNOW को लिखा है 19 14 15 23, तो पूछ रहा है बताइए कि रेन को क्या लिखेंगे, क्या देख देख के कोड को लिखा है, हमें तो नहीं लग रहा, कहा कि ये है भी नहीं ऊपर, ये लगता है कोड को ही डायरेक्टली दिया है, F को 6 I का 9 R का 18 E का 5, सबके कोड को लिख दिया, तो R का 18 A का 1 I का 9 N का 14 18 19 14, यही हम लोग का आंसर होगा, और ये दिखा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, यानी बिल्कुल शतक के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बोलना चाहूंगा कि अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं, भूल गए हैं, तो प्लीज लाइक वाला बटन दबाइए, और एकदम दबा के 10 20 15 मित्रों को शेयर कर दीजिए सभी को, और कुछ ना कुछ कमेंट करिए, आपका कमेंट पढ़ के तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या हम लोग 100 करके समाप्त कर सकते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं, क्या आप पचा लीजिएगा 100 क्वेश्चन, यदि हाँ तो जरूर कमेंट करिएगा, अपना एडवाइस जरूर रखिएगा कैसा लगा, या कुछ और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो आइए लास्ट में देख लेते हैं 5 क्वेश्चन और। 96, GEM को लिखा है NJZ, बड़ा मैदान है, GEM को लिखा है NJZ, तो पूछ रहा है बताइए KID को क्या लिखेगा, बोले सर 7 है ना, 5 है और ये 13 है, लगता है 14 होबे करता है, JN का 10 होता है 26, तो 7 × 14 5 × 10 13 × 26, तो यहाँ देख लीजिए 11 है 9 है 4 है, 11 × 22 मतलब भी, 9 × 18 मतलब R, और 4 × 8 मतलब H, कितना आसान से आंसर है, VRH ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 से 99, यानी कि शतक मारने के चक्कर में एक के बॉल पर 3 रन ले लेंगे, 97 98 99, देख लीजिए एक ही में, कुछ लड़के और कुछ लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, बड़ी मैदान है, पहली लड़की के बाद एक लड़का, फिर दूसरी के बाद 2 लड़का, और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े, मतलब समझे, पहली लड़की के बाद एक लड़का, फिर दूसरी के बाद 2 लड़का, फिर तीसरी के बाद 3 लड़का, चौथी के बाद 4 लड़का, तब तक जब तक कि 35 ना पूछ जाए, क्योंकि लास्ट में लिखा है पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, मतलब दोनों मिला के 35 है, तो पहले एडजस्ट कर लीजिए, पहली मतलब कि
पहली लड़की के बाद एक लड़का, तो पहले हम जी से गर्ल हो गया, उसके बाद एक लड़का बॉय, फिर गर्ल, फिर दो लड़का, दो बॉय, फिर गर्ल, फिर तीन लड़का, फिर गर्ल, फिर चार लड़का, फिर गर्ल और फिर पांच। इधर ही लिखते हैं क्योंकि उधर क्वेश्चन, यहां देख लीजिए, फिर गर्ल, फिर पांच, थोड़ा नीचे पांच बॉय, फिर गर्ल, फिर छह बॉय। देखते हैं 35 पूरा तो नहीं, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, दो अठारह, दो बीस, दो बाईस, दो चौबीस, दो छब्बीस, एक 27 हुआ। तो फिर गर्ल, फिर सात लड़का। देखिए, एक लड़की के बाद एक लड़का, फिर दूसरी लड़की के बाद दो लड़का, फिर तीसरी के बाद तीन, चौथी के बाद चार, पांचवी के बाद पांच, छठी के बाद छह और सातवीं के बाद सात। देखते हैं 35 पूरा या नहीं, यहां तक 27 हुआ था, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 टोटल पूरा हो गया। बस ये समझिए एडजस्टमेंट हो गया। अब आंसर फटाफट तीनों का मांगिए, 97 नंबर का आंसर देखिएगा। चलिए देख लीजिए 97 का आंसर, 97 पांचवें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं, पांचवें और 17वें, तो बोले सर एक दो तीन चार पांच, पांचवा में भी तो लड़का ही आ गया, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रहवें में भी लड़का आ गया, लेकिन ये दोनों को नहीं जोड़ता है, ये दोनों के बीच में, इसको छोड़ दीजिए, अभी इधर कई लड़का है, तो तीन आ चार सात आ एक आठ, इसको भी नहीं है जोड़ना है, यानी पांचवें और सत्रहवें के बीच टोटल लड़का आठ हुआ है, और 97 में आठ दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98, जरा ध्यान दीजिए, कुल कितने लड़कियां हैं, मतलब पूरे में कुल कितनी लड़कियां, तो बोलिए सर एक दो तीन चार पांच छह और सात, यानी लड़कियों की संख्या सात है, और 98 में सात दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोग का आंसर हुआ 98 का बी। अब आइए 99, लास्ट एक रन और घटेगा इसके बाद, 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं, 21वें और 30वें स्थान के मध्य, तो बोले सर यहां तक 17 हो गया था, 18 19 20 21, ये हो गया 21वें, और 30वें, तो 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हो गया 30वें। अब इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो एक लड़कियां ये वाला खाली नजर आई, क्योंकि 21वें पर लड़की है तो इसके बीच में बोला है, तो ऐड होगा नहीं, तो 21वें और 30वें स्थान के बीच केवल एक लड़की है, केवल एक, यानी इसका आंसर हुआ एक, और एक दिया है आपका 99 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, मतलब एक बार लिख दिए ना तो कंफर्म आंसर मान दिए, क्लियर, कोई गलती नहीं, यानी 99 तक पहुंच गया, केवल एक रन घट रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और ये रहा हम लोग का शतक। देख लीजिए लाइफ भी एक गेम ही है, लेकिन क्रिकेट और लाइफ में यही अंतर है कि क्रिकेट में आपको आउट करने के लिए आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह खड़ा रहता है, लेकिन लाइफ में आपको केवल आप ही आउट कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं आउट कर सकता। यदि आप चाहिए तो बीच में ही वीडियो छोड़ दीजिए, मतलब आप आउट हो गए, जो अंत तक बने रहेगा उस शतक मार के ही आउट होगा, मतलब आउट होने की कोई सवाल ही नहीं है, पूरा जीत हम ही लोग का होगा। यहां देखिए, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, व्यक्ति का परिचय करा रही है महिला, मान लिया जाए आप या कोई भी व्यक्ति का परिचय करा रहे हैं, अब क्या कहती है इस व्यक्ति के बारे में, उनके भाई के पिता, मतलब ये व्यक्ति के भाई के पिता, तो बोले सर व्यक्ति के भाई के पिता, ये व्यक्ति के भी तो पिते ना होगा, आपके भाई का पिता क्या होंगे, आपके पिता, मेरे भाई के पिता मेरे पिता, तो बोल रहा है ये महिला इस व्यक्ति के बारे में, बोले कि इसके भाई के पिता, उनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब महिला के दादा के, इसका इसकी व्यक्ति के भाई के पिता, मतलब व्यक्ति का पिता है जो इसके दादा के इकलौता पुत्र है, तो बोले सर दादा के इकलौता पुत्र तो पिता ही होते हैं, मतलब जो ये व्यक्ति के पिता है वही महिला के भी पिता हो जाएंगे, दादा के इकलौता पुत्र, ये व्यक्ति बोले नहीं व्यक्ति के भाई के पिता मतलब इसका पिता, इनके दादा के इकलौता पुत्र मतलब इसका भी पिता हुआ, तो बोले अभी सर दिक्कत क्या है, तब तो ये भाई हो गए और ये बहन हो गई, क्लियर है, तो पूछ कर रहा है महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता था, तो व्यक्ति में से लग गया इसलिए आंसर बहन होगा, यदि महिला में से लगता तो आंसर भाई होता, तो बहन हो गया, और बहन दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा कि हम लोगों ने बस ठान लिया तो सब क्वेश्चन को धजिया उड़ाई दिया, बस ठानने की जरूरत थी, और बहुत मजा आया होगा, पता भी नहीं चला होगा। अब आप सभी को
धड़ाधड़ एडवाइस अपना रखना है कि क्या 100 क्वेश्चन ठीक रहेगा या 50-50 ठीक रहेगा, और जबरदस्त शेयर करिए सभी के पास शेयर करिए। इतना इसमें लड़का का इंक्लूडेशन होना चाहिए, इतना इन्वॉल्व होना चाहिए कि हमें लगे कि आप सभी को पसंद है, और लगातार जल्द से पूरे के पूरे 3000 क्वेश्चन समाप्त कर दें, क्योंकि आगे हमें और बहुत सारा चीज समाप्त करना है। आपने वीडियो अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।